experience of more than 23 years of the area of auditing and assurance services, internal audits, operational audits, management audits, service tax, company law, information system audit, IFSC audit, SOX audit, etc. He has vast experience of bank audit and was Central Statutory Auditor for Bank of Baroda, Union Bank of India, Bank of Maharashtra and SPBJ in past. Also, closely associated with the guidance note on bank audit since 2006 till date and contributed on many chapters of guidance note. Without taking so much time, I request Ajayji to start the session. Ajayji, please. Thank you, Rakeshji. नमस्कार. सबसे पहले तो मैं वित्त सलाहकार समिति और उसके सब पदाधिकारी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप सब लोगों से मैं रूबरू हो सकूं वेबिनार के थ्रू, और जो अभी अपना बैंक ऑडिट का इनफैक्ट सीजन चालू, मतलब नॉर्मल कोर्स में हम इस वक्त तो ब्रांचेस में होते, लेकिन जो परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं उसको देखते हुए वेबिनार के थ्रू जो आयोजन हो रहे हैं, मैं उन सभी आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस लॉकडाउन में समय का बिल्कुल सदुपयोग करने के लिए सबको प्रोत्साहित किया, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे खासी संख्या में अभी पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं। तो हम इस वेबिनार को शुरू करते हैं। मुझे आज के इसके लिए बोला गया कि मैं दो तीन चीजों पे कवर करूं, तो मैं सबसे पहले दो तीन मिनट अपने करंट सिनेरियो पे लूंगा, फिर मुझे बोला गया कि एग्रीकल्चर एडवांसेस को भी आप कवर कर लेना, जो कि इस एजेंडा में नहीं था, तो मैंने उसके ऊपर भी तैयार किया है, और एमओसी एलएफआर और सर्टिफिकेट जो अपने आइटम्स हैं, और कुछ समय बचा तो कुछ अदर आइटम्स भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं करंट सिनेरियो पे। तो आप सब लोग, जैसे आई थिंक सबको स्क्रीन शेयर भी हो रखा होगा, तो हम बात करते हैं करंट सिनेरियो में। तो आप सब लोग जानते हैं कि जो बैंक्स हैं बिल्कुल डायनामिक है, अपने दूसरे कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल अलग, और वहां का प्रोडक्ट क्या है? मनी। और जहां पैसा है वहां फ्रॉड भी है, वहां ग्रीड भी है। तो जहां मनी में डीलिंग होती है वहां पे कंट्रोल्स और मैकेनिज्म्स बहुत जरूरी है। तो एज ए ऑडिटर हम लोगों की बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जहाँ प्रोडक्ट की मनी में डील, हम जहाँ किसी और प्रोडक्ट्स में डील करते हैं वहीं हम इतने कंट्रोल्स की बात करते हैं कि आपका स्टॉक ठीक नहीं है और वगैरह ठीक नहीं है। जहाँ पे प्रोडक्ट ही मनी है वहां पे बहुत ज्यादा विजिलेंस की जरूरत है। इसको देखते हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। हम बात करें तो प्रोडेंशियल नॉर्म्स आते हैं, हर बार कोई ना कोई नया नॉर्म्स में नया इजाफा हो जाता है, रिस्ट्रक्चरिंग के नॉर्म्स आ जाते हैं। लास्ट ईयर एमएसएमई की रिस्ट्रक्चरिंग आई थी, अभी कोविड के चलते फिर रिस्ट्रक्चरिंग आ गई। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नॉर्म्स हैं, जो लोग रोजाना कॉन्करेंट ऑडिट करते हैं उनको पता होगा कि एंटी मनी के ऊपर, एफएसीटी गाइडलाइंस के ऊपर कितनी सारी चेकिंग बैंकों में हो रही है। बासल II, बासल III के नॉर्म्स हैं, हर साल कोई ना कोई नया सर्टिफिकेट बढ़ जाता है। अपने ऑडिट जब सर्टिफिकेट देते हैं, हमने शुरू की थी तो मुझे याद है 5-6 सर्टिफिकेट हुआ करते थे, आज सर्टिफिकेट की लिस्ट 20 तक तो पहुंच चुकी है और उससे भी ज्यादा है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, मतलब मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस 24 आवर्स चालू हो चुके हैं, इनके सबके रिकंसिलेशन, इतने सारे ये मतलब पेमेंट वॉलेट्स जो बैंकों ने खुद ने बना लिए हैं, वो सब कुछ, इन सब से हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बिल्कुल, अब मतलब हमारे जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी कंप्लायंस मैंडेटरीली हमको बैंक ऑडिट में भी करनी है। सारे के सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पे हमारी अगर आप इस साल का गाइडेंस नोट देखेंगे तो उसमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से एप्लीकेबल है बैंक ब्रांच ऑडिट पे, उसके ऊपर भी पूरा का पूरा एक 8-10 पेज का आर्टिकल है जिसमें सारे उनकी लिस्ट दे रखी है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को आप देखें, और अभी जो थोड़ा सा समय बचा हुआ है इसको इस पढ़ाई में यूज करें। ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमें होल लाइफ काम आएंगे। दोस्तों, आप देखते होंगे कि रोज हमें अखबार में पढ़ने को मिलता है, न्यूज में पढ़ने को मिलता है कि इतना रोबस्ट ऑडिट सिस्टम होते हुए भी बैंकों में ऑडिटर्स जो 31 मार्च को ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसमें जो एनपीए आइडेंटिफाई किया है, जो प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई हुई है, आरबीआई जब इंस्पेक्शन करने जा रहा है तो उसको बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस मिल रहा है। मतलब अगर 10-12-15% तक का डाइवर्जेंस आरबीआई नोटिस कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि या तो कहीं ना कहीं कोई कमी हमारे पार्ट पे रह रही है कि जो लोग हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, और आरबीआई जब आता है इंस्पेक्शन करने तो वो लोग डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो और आरबीआई बोलता है कि बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि जो एनपीए आइडेंटिफाई होने चाहिए थे वो आइडेंटिफाई नहीं किए, डेट ऑफ एनपीए प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं करी, क्लासिफिकेशन ठीक नहीं हो, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को भी आरबीआई ने कलेक्टिवली देखती है तो बैंक एज वेल बहुत बड़ा डाइवर्जेंस आ जाता है। तो हमें इस चीज के लिए अलर्ट रहना, हमको प्रिपेयर होना है कि हम हमारा काम इस तरीके से करें कि आगे आने वाले सालों में डाइवर्जेंस ना मिले। अब हम बात करते हैं रिसेंट डेवलपमेंट्स की। तो 3-4 रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, मैं सिर्फ आपको हल्का सा चीज देखूंगा कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट आया था उस पर रिलैक्सेशंस आए हैं जो कि आगे वाली सीरीज में डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। पर आप 2 सर्कुलर्स हैं जिनको नोट कर लें, 27/3/2020 का था और 1 अप्रैल 2020 का था। ये 2 सर्कुलर्स है जिनसे कि अपना रिलैक्सेशंस के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस आई है। इन सर्कुलर्स को आप पढ़ेंगे तो आपको एक बिल्कुल आइडिया मिल जाएगा कि आरबीआई ने क्या क्या रिलीफ दिए हैं। दूसरा, 1 अप्रैल से बैंकों का मर्जर हो गया है, तो लेकिन आप इस बात को बिल्कुल क्लियर रखिए कि जो हम 31 मार्च 2020 की ऑडिट करेंगे वो अर्सवेल बैंकों में अर्सवेल बैंक की ही ऑडिट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का ऑडिटर है तो 31 मार्च 2020 को उसका पीएनबी से कोई रेफरेंस नहीं है, उसकी सारी की सारी ऑडिट जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के हिसाब से होती थी वैसे ही होगी, रिपोर्टिंग भी वैसे ही होगी। 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट ओरिएंटल बैंक ऑफ अर्सवेल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की बनेगी। तो हमें इस बात को ध्यान रहे, मर्जर से कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। 31 मार्च 2020 की ऑडिट स्टैंडअलोन जैसे पहले एंटिटी की होती आई थी वैसे ही होगी। एक नया जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ था वो होता है 31 एमएसएमई एडवांसेस की रिस्ट्रक्चरिंग, जो लास्ट ईयर से चलती आ रही है, लेकिन इसमें लेटेस्ट सर्कुलर 11 फरवरी 2020 को आया था आरबीआई का। तो उस 2020 के सर्कुलर 11 फरवरी 2020 के सर्कुलर में उन्होंने और रिलैक्सेशन दिया और रिस्ट्रक्चरिंग का पीरियड थोड़ा आगे बढ़ाया। अब एक इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है जो 2 साल से चल रहा है, मैं आपको 5 मिनट में इसको शेयर करना चाहूंगा। ये आरबीआई ने डायरेक्टिव्स दिए एनफोर्समेंट की ऑडिटर्स के ऊपर। भाई आरबीआई को पहले से भी पावर थी और उन्होंने इसको लिया, इसको अपन आगे एक स्लाइड में डिस्कस करेंगे। दूसरा, लोन वेवर स्कीम्स हैं जो हर साल गवर्नमेंट देती जा रही है। राजस्थान में भी कुछ लोन वेवर का इम्पैक्ट इस साल में आएगा, तो एक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जिसका कि हमको रिसेंट डेवलपमेंट में देखना है। दूसरा, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, स्पेशली पीएमसी बैंक के बाद में और यस बैंक के बाद में, मतलब सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन ऑडिटर्स की, मतलब फीलिंग आ रहा है कि ऑडिटर्स ने क्या देखा था इन बैंकों में जब कुछ ऐसा हो गया। तो इस फीलिंग को, सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें उस पर खरा उतरना है। हमको एटलीस्ट नेशनलाइज बैंक्स में हम ये बोल सके कि नेशनलाइज बैंक्स में जो ऑडिट है वो इंडिया की एमएसएमई फर्में ऑडिट करती हैं, सीए फर्म, और उनकी ऑडिट क्वालिटी किसी भी तरीके से मतलब इंफीरियर स्टैंडर्ड की नहीं है। ऑडिट क्वालिटी का स्टैंडर्ड है वो एक पर्टिकुलर लेवल का है और जो भी रिजल्ट्स पब्लिश हो रहे हैं नेशनलाइज बैंक्स के वो एक तरीके से एट पार है। साथ में नफरा की जो रिपोर्टिंग आ रही है तो नफरा में सारे के सारे बैंक लिस्टेड है, तो आप ये ध्यान रखें कि नफरा के द्वारा भी हमारा क्वालिटी रिव्यू हो सकता है। मैं सिर्फ एक स्लाइड आपको ये पढ़ के बताता हूं जो 29 जून 2018 का आरबीआई का सर्कुलर, ये एनफोर्समेंट की डायरेक्शन से आरबीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप लोग इसे डाउनलोड भी कर लें। ये लिखता है, इन एक्सरसाइज ऑफ स्टैच्यूटरी पावर्स, जो स्टैच्यूटरी पावर्स आरबीआई के पास पहले थी लेकिन अभी उन्होंने बिल्कुल पब्लिक डोमेन में डाल दिया, इन केस दोज ऑडिटर हुज ऑडिट क्वालिटी एंड कंडक्ट, आप देखिए वर्ड उन्होंने यूज किया क्वालिटी एंड कंडक्ट, इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री by the RBI, it decided on enforcement activity against them by way of not approving the appointment of for undertaking statutory auditors in commercial banks for a specified period. तो आप ये देखिए कि क्वालिटी और कंडक्ट पे अगर RBI को कोई दिक्कत महसूस हुई तो वो उस फर्म का नाम अप्रूव नहीं करेंगी और ये आगे आगे हो चुका है। मार्च 2018 की ऑडिट के ऊपर भी इम्पैक्ट आ गए थे, उनमें दिक्कत आई है, और मार्च 19 के लिए भी आरबीआई से नोटिसेस ऑडिटर्स को आ चुके हैं। इन्होंने जो लैप्सेस को कंसीडर किया है ना, उसमें आप देखिए लैप्सेस इन कैरिंग आउट ऑडिट असाइनमेंट रिजल्टिंग इन मिस स्टेटमेंट ऑफ बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवन रॉन्ग सर्टिफिकेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन इज एलएफआर, ये भी इन्होंने लैप्सेस में ले लिया है। मिसकंडक्ट का इश्यू है और मैं इनको ज्यादा नहीं ले रहा हूं टाइम, पर उन्होंने बोला है कि हम एजुकेशन का प्रोसेस करेंगे, शो कॉज नोटिस देंगे उस ऑडिट फर्म को, चाहे वो ब्रांच ऑडिटर हो चाहे सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, पर्सनल हियरिंग करेंगे, मेटलिटी पे डिसीजन लेंगे और उसका पब्लिक डिस्क्लोजर करेंगे। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि आरबीआई जिसके पास स्टैट्यूटरी पावर्स पहले से थी, लेकिन अब उसने पूरा प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट कर दिया है और एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो हमें बिल्कुल विजिलेंट होके हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करना है। इसलिए मैं कह रहा था कि जो ब्रांच ऑडिटर्स है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर केवल 20 ब्रांचेस की ऑडिट करता है और वो हेवीली रिलाई करता है कि ब्रांच ऑडिटर्स ने जो कुछ भी चेक करके भेजा है, जो कुछ भी देख के भेजा है, जो भी रिपोर्ट किया है, उसके बेसिस पे ही वो अपनी फाइनल रिपोर्ट को कंक्लूड करता है। तो आप भी मान के चलिए कि ब्रांच सेंट्रल ऑडिटर केवल 20 ब्रांचेस की ऑडिट करके पूरे बैंक के ऊपर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। वो आपकी रिपोर्ट्स पे, हमारी ब्रांच ऑडिटर्स की रिपोर्ट पे के बेसिस पे ही अपना कंक्लूजन लेते हैं। तो इस वजह से ब्रांच ऑडिटर्स की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं कि बैंक में हमको काम क्या करना पड़ता है। जो जिनको फर्स्ट टाइम बैंक ऑडिट आई है उनके लिए थोड़ा और भी ठीक रहेगा कि हमें स्टैट्यूटरी ऑडिट करनी पड़ती है, एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट करनी पड़ती है जिसको अपन डिस्कस करेंगे, टैक्स ऑडिट करनी पड़ती है जो नॉर्मल जो हम और केसेस में करते हैं, और हमको बहुत सारे सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं जिनके भी अपन डिस्कस करेंगे। और ये सारा काम हमको एक गो में करना है, एक विजिट में करना होता है। तो इसके साथ मैं 10 मिनट पहले अपन एक एग्रीकल्चर एडवांसेस का जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। मतलब मुझे बोला कि आप इसको कवर कर ले, तो मैंने कहा कि मैं इसको कवर कर लेता हूं, क्योंकि अपनी ज्यादातर फर्मों के पास में एग्रीकल्चर बेस्ड ब्रांचेस बहुत आती हैं। तो हम इसको फ्रेंड्स, कॉमर्शियल बैंक मतलब इंडिया जो है एग्रीकल्चर लेड कंट्री है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस इंडिया की बहुत ज्यादा है और कॉमर्शियल बैंक्स को भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी पड़ती है। और ये सारी की सारी जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पॉलिसी जो आरबीआई की उसके हिसाब से गवर्न होती है। उस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एग्रीकल्चर एडवांसेस भी सारे के सारे शामिल होते हैं। तो अब एग्रीकल्चर एडवांसेस में कवर क्या होता है, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि एग्रीकल्चर एडवांसेस में कवर क्या होता है। तो जो आरबीआई का मास्टर सर्कुलर है 2015 में फाइनल वर्जन आया था, उसके बाद मास्टर सर्कुलर मॉडिफाई नहीं हुआ है, उसके बाद सर्कुलर आ रहे हैं जो उसको ऐड करते हैं। और जो 2015 का मास्टर सर्कुलर आप उसको डाउनलोड भी कर ले, आपके पास बैंक ऑडिट पे अगर आप जाएं तो आपके पास वो होना चाहिए डेफिनेटली मास्टर सर्कुलर। इस मास्टर सर्कुलर में पेज नंबर 100 पे बताया गया कि एग्रीकल्चर एडवांसेस क्या क्या है। तो ऑल एग्रीकल्चर एडवांसेस आर बाइफिकेटेड इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर एडवांसेस। इट इंक्लूड्स फार्म क्रेडिट इंक्लूडिंग केसीसी, यानी किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो लोन्स है वो सारे के सारे हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन है वो इसमें शामिल होंगे। एंसिलरी एक्टिविटीज जो है वो इसमें शामिल होगी। लोन्स टू कॉर्पोरेट फार्मर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स, पार्टनरशिप फर्म्स और कॉर्पोरेटिव फार्मर्स, जो अलाइड एक्टिविटीज की है सारी, जो डेयरी है, फिशरी है, एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है, बी कीपिंग है और सब, जिसपे कि 2 करोड़ तक का दिया है। ये सब चीजें एग्रीकल्चर एडवांसेस में शामिल होते हैं और इन सब पे एग्रीकल्चर वाली नॉर्म्स लगती हैं। अब एग्रीकल्चर एडवांसेस में सबसे पहली तो एक चीज है कि ये एडवांसेस पे जो इंटरेस्ट है उसका एप्लीकेशन हाफ ईयरली और एनुअली रेस्ट पे होता है, दूसरे एडवांसेस की जैसे मंथली नहीं होता है। तो एक हमको ये समझना चाहिए, कई बार आपको ये पता चला कि ये एक्टिविटी एग्रीकल्चर में है, एक्टिविटी एग्रीकल्चर में नहीं है, तो आप उसकी इंटरेस्ट एप्लीकेशन से भी एक तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इसमें इंटरेस्ट एप्लीकेशन मंथली हो रहा है तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो सकती। जहाँ पे इंटरेस्ट एप्लीकेशन हाफ ईयरली और एनुअल रेस्ट पे हो रहा है वो मतलब वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी वाले एडवांसेज है। और साथ में एग्रीकल्चर एडवांसेज पे जो इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है उस पर कंपाउंडिंग भी नहीं होती है, यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं लगता, वहां सिंपल इंटरेस्ट ही लगता है जब तक ये अकाउंट वो एनपीए नहीं होता। एनपीए होने के बाद में हर बैंक वो कॉमर्शियल एडवांसेस की तरह ट्रीट होता है, हर बैंक अपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से लगाता है, लेकिन जब तक वो एग्रीकल्चर एडवांस है उस पर इंटरेस्ट कंपाउंडिंग परमिटेड नहीं है। अब एग्रीकल्चर एडवांसेस पे एसेट क्लासिफिकेशन की नॉर्म्स क्या लगेगी, तो जो एग्रीकल्चर मास्टर सर्कुलर का पैरा है 4.2.13 वो बोलता है कि एग्रीकल्चर एडवांसेस का क्लासिफिकेशन ओवरड्यू क्रॉप सीजन के बेसिस पे होगा, कि जो क्रॉप सीजन का ओवरड्यू कितना है उसके बेसिस पे होगा। अकॉर्डिंग टू दीज नॉर्म्स a granted for short duration crop will be treated as NPA. The installment of principal or interest thereon remains overdue for 2 crop season. यानी अगर short duration crop है तो 2 crop season तक उसका interest और installment due रहती है तो account NPA होगा. A loan granted for long duration crop will be treated as NPA if the installment of principal and interest thereon remains overdue for 1 crop season. अगर long duration crop है जो कि crop आती साल भर में produce होती है वहां पे एक क्रॉप सीजन पे अकाउंट को एनपी होगा. अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि उन्होंने बोल दिया 2 crop season ओवरड्यू. तो ओवरड्यू क्या है? तो आरबीआई सर्कुलर बोलता है द टर्म ओवरड्यू मींस एनी अमाउंट ड्यू बाय द बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवरड्यू इफ इट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट फिक्स बाय द बैंक. तो बैंक ने जो ड्यू डेट डिसाइड करी है उस ड्यू डेट पे अगर कोई पेमेंट नहीं आता है तो वो अकाउंट ओवरड्यू हो जाएगा. अब एग्रीकल्चर एडवांसेस में की इश्यूज क्या है? तो आप सब लोगों को बोलते हैं कि केसीसी लोन है, केसीसी लोन है, केसीसी लोन है. आप केसीसी का मास्टर सर्कुलर उठा के देख लीजिए, अपना इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट भी है, इसमें कैटेगरी लिखा हुआ है कि केसीसी कोई किसी टाइप का लोन नहीं है, इट इज द चैनल ऑफ फाइनेंस. ये एक एलिजिबिलिटी डिसाइड करने का तरीका है फार्मर की. लोन या तो टर्म लोन होगा या कैश क्रेडिट लिमिट होगी. तो जो किसान क्रेडिट कार्ड के जो लोन्स हैं वो लोन या तो टर्म लोन होंगे या कैश क्रेडिट होगी. जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, इतने सालों से मैं देखता हुआ हूँ, मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और जितने भी बड़े बैंक्स हैं, उन्होंने सारे के सारे केसीसी लोन्स को टर्म लोन की तरह ट्रीट किया है. हाँ, पीएनबी एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पे उन्होंने केसीसी लोन को कैश क्रेडिट की तरह ट्रीट किया है. तो आरबीआई ने तो सिंपल सा बोल दिया कि 2 crop season है, ओवरड्यू डेट है वो एच पर द एज डिसाइडेड बाय द बैंक होगी, जो कौन सी पीरियड पे डेट आएगी. अब उसका नेचर क्या होगा वो भी बैंक डिसाइड कर रहे हैं. तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने तो इसको टर्म लोन डिसाइड किया है और कुछ बैंकों ने इसको कैश क्रेडिट लिमिट की तरह किया है. अब दूसरा जो इसमें की इश्यू आता है, एक तो की इश्यू आ गया कि वो टर्म लोन है या सीसी लिमिट है. दूसरा की इश्यू आता है कि क्रॉप सीजन क्या है. क्रॉप सीजन आरबीआई ने कहीं भी डिफाइन नहीं किया है. आरबीआई बोलता है कि जो क्रॉप सीजन होगा वो हर स्टेट की स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी वहां के क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से, वहां पे किस तरीके की फसलें पैदा होती है, वहां का एग्रीकल्चर का क्लाइमेट कैसा है, उसके हिसाब से क्रॉप सीजन डिसाइड होना है. मतलब आरबीआई ने तो बोल दिया कि 2 crop season ओवरड्यू. अब क्रॉप सीजन क्या होंगे ये डिसाइड करेगी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी. इसलिए बैंकों में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में. और क्योंकि स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को डिसाइड करना है कि क्रॉप सीजन का लेंथ क्या होगी, तो इसलिए एक थंब रूल से एग्रीकल्चर एडवांसेस का एनपी आइडेंटिफाई करना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग काम है. सिस्टम, मतलब मेरा पर्सनल मानना यह है कि सिस्टम बेस्ड एनपीए क्लासिफिकेशन जो सारे बैंक्स करते आ रहे हैं एग्रीकल्चर एडवांसेस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कि हर स्टेट का क्रॉपिंग पैटर्न डिफरेंट है, वहां की एसएलबीसी के हिसाब से जो क्रॉप सीजन है उसकी लेंथ डिफरेंट है, उसका ड्यू डेट. तो आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कॉमन क्राइटेरिया से एग्रीकल्चर एडवांसेस का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते. इसलिए कुछ बैंक इसको मानते भी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ पैरामीटर्स को इस तरीके से किया हुआ है कि वो सब चीजें कवर हो जाती है. लेकिन हमको ये नहीं समझना चाहिए कि सिस्टम ने आइडेंटिफाई कर दिया तो सही कर दिया होगा. एग्रीकल्चर एडवांसेस में हमको हमारा जो ऑडिट टेस्ट है उसको अप्लाई करके देखना चाहिए कि लॉजिक उस स्टेट के हिसाब से प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. अजय जी सर, मैं एक बार इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको. हाँ. ये थोड़ा स्क्रीन पे लाइन आ रहा है, वो अगर ये लाइन मेरी तरह वजह से नहीं आ रही है. ये लाइन जिन लोगों ने अपने टच स्क्रीन को खोला है ना, उनकी वजह से हुई है. ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए आप सर. ओके. तो अब हम क्रॉप सीजन की बात करते हैं. तो अपने यहाँ 2 crop season है, रबी का सीजन और खरीफ का सीजन. तो रबी का सीजन वो होता है जिसमें कि अक्टूबर नवंबर में शॉइंग होती है और मार्च अप्रैल में फसल आती है. जैसे अभी गेहूं की और जौ की और ये चने की जो फसल आ गई, जो अपने होली पे आ जाती है नॉर्मली, और एक दूसरी खरीफ सीजन की फसल है जो कि मई जून में आती है और दिवाली पे आ जाती है सर्दियों के टाइम पे बाजरा की वगैरह जो अपने यहाँ क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से। तो हमको ये समझना होगा कि टाइप ऑफ लोन क्या है और क्रॉप सीजन क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। अब एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है उसका। हमारे देश में कई एरियाज ऐसे हैं जहां पे साल में केवल एक ही फसल होती है और कई एरियाज ऐसे हैं जहां पे साल में दोनों फसल होती हैं। लेकिन राजस्थान में मैंने ये देखा है, मैंने इतने बैंक ऑडिट कर दी, मैं आरआरबी का सेंट्रल ऑडिटर 2 बार रह चुका हूँ, अभी प्रेजेंट में भी हूँ और इतनी रूरल ब्रांचेस की ऑडिट करी है कि मेरा एक्सपीरियंस है कि राजस्थान में बहुत ही कम जगह है जहाँ पे कि मोनोक्रॉप होती है कि साल में एक फसल लेता है। यही एक चीज है जो कि ऑडिटर और बैंक मैनेजमेंट, ब्रांच मैनेजमेंट के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट करती है कि मेरा वो। तो हमको ये समझना होगा कि जिस कल्टीवेटर को, जिस बोरोवर को बैंक ने लोन दिया है, वो लोन, वो बोरोवर, वो कल्टीवेटर मोनोक्रॉप वाला है या ड्यूल क्रॉप वाला है। अगर वो साल में एक क्रॉप करता है तो मोनोक्रॉप वाला है, वो साल में रबी और खरीफ दोनों की फसलें करता है तो ड्यूल क्रॉप वाला है। अब आप पूछेंगे हमको इसका पता कैसे लगे, तो इसका पता लगाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि केसीसी का जो ये असेसमेंट कर रहे हैं, अप्रेजल कर रहे हैं, उसकी जो लिमिट फिक्स कर रहे हैं बैंक्स की, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिमिट फिक्स करी कि 1 हेक्टर पे 1 लाख रुपए की लिमिट बनेगी लैंड पे। तो वो 1 लाख रुपए की लिमिट की कैलकुलेशन उन्होंने दोनों क्रॉप को लेके करी है या साल में एक क्रॉप को लेके करी है, क्योंकि अगर उसकी 2 क्रॉप्स अगर वो ग्रो करता है तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, 1 क्रॉप करता है तो कम होगी। तो जो बैंक्स का जो इस अप्रेजल करने का जो सिस्टम है, और मैंने ये देखा है कि सब जगह जो लिमिट्स जो फिक्स हो रही हैं वो ड्यूल क्रॉप को करके ही हो रही हैं। मुझे तो मेरे को इतना टाइम में नजर नहीं आया कि किसी बैंक ने किसी ब्रांच में सिंगल क्रॉप के बेसिस पे लिमिट फिक्स करी हो। जब आप कल्टीवेटर की लिमिट ड्यूल क्रॉप पे कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वहां पे ड्यूल क्रॉप वाला फार्मर है वो। तो हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है एग्रीकल्चर एडवांसेस में कि टाइप ऑफ लोन क्या है, क्रॉप सीजन क्या है और कल्टीवेटर मोनोक्रॉप वाला है या ड्यूल क्रॉप वाला है। अगर आपने 3 चीजें समझ ली तो आप एनपीए का आइडेंटिफिकेशन एग्रीकल्चर एडवांसेस में बिना कोई दिक्कत के कर लोगे। ये टेबल है, मैं इस टेबल को एक बार करके सिंपल सा उस पे आता हूं। अब कोई फार्मर ड्यूल क्रॉप वाला है तो उसका एनपीए कैसे बनेगा? तो मैंने लास्ट लिमिट ली है कि अगर किसी को बैंक ने एडवांस किया है रबी 2017 के लिए, यानी कि जुलाई से दिसंबर के बीच में उसको फाइनेंसिंग करी है, मतलब लैंड प्रिपरेशन के लिए फाइनेंसिंग चालू हो जाती है तो एक्चुअली उसको सीड चाहिए, अगस्त में सितंबर में वो क्रॉप डालेगा तो जुलाई से वो लैंड प्रिपेयर करता है खाद, तो उसके जुलाई से दिसंबर के बीच की जो फंडिंग होती है उसकी क्रॉप आएगी मार्च अप्रैल में, वो मार्केट होगी, बिकेगी, तो उसकी रिपेमेंट ड्यू राजस्थान में मोस्टली जुलाई में फिक्स की जाती है कि जो रबी के लिए जो हमने लोन दिया है उस लोन की रिपेमेंट डेट आएगी जुलाई। तो फॉर एग्जांपल जो जुलाई से दिसंबर 17 के बीच में डिसबर्समेंट किया है उसकी रिपेमेंट डेट आती है जुलाई 18। अब इस जुलाई 18 को उसने पेमेंट नहीं किया तो इससे हमको 2 क्रॉप सीजन काउंट करने हैं। अब ये 2 क्रॉप सीजन काउंट करने हैं, इसमें देखना है कि ये जो बोरोवर है वो ड्यूल क्रॉप वाला है तो उसका फर्स्ट क्रॉप सीजन दिसंबर 18 में आ जाएगा, यानी कि खरीफ का जो उसका क्रॉप आएगी, यानी अपन सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जुलाई जो मार्च अप्रैल में उसने जो गेहूं की फसल की थी उससे का रिलेशन नहीं देता, तो वो दिसंबर में जो बाजरे की या दूसरी फसल करेगा मक्के की तो उससे वो पेमेंट करेगा। तो उसका फर्स्ट क्रॉप सीजन जुलाई 18 में हो गया और उसका सेकेंड क्रॉप सीजन, फर्स्ट क्रॉप सीजन दिसंबर 18 में हो गया और सेकंड क्रॉप सीजन जुलाई 19 में हो गया, तो उसका अकाउंट 30 जुलाई 19 को एनपीए बन जाएगा और मोस्टली मतलब सितंबर में एनपीए बन जाएगा। और इसका समझ लीजिए जो कोविड-19 का जो रिलीफ मिला है उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो रिलीफ तो आपका जो इंस्टॉलमेंट 1 मार्च के बाद ड्यू हो रही है उन पे मिलने वाला है। तो अगर ड्यूल क्रॉप का फार्मर है और उसको जो भी डिसबर्समेंट हमने एक थंब रूल के हिसाब से चले दिसंबर 17 से पहले के डिसबर्समेंट किए हुए हैं और वो अगर पेमेंट नहीं आता है 31 मार्च 2020 तक तो वो अकाउंट एनपीए है। यानी कि मोटा मोटा डिसबर्समेंट से और एनपीए क्लासिफिकेशन के बीच में 18 से 24 महीने का पीरियड आएगा अगर वो ड्यूल क्रॉप वाला फार्मर है तो। अब हम बात करते हैं अगर वो मोनोक्रॉप वाला फार्मर है, यानी कि साल में एक ही फसल उगाता है, ले पाता है वो। जहां तक मेरी समझ में आया कि राजस्थान में मैंने देखा नहीं मोनोक्रॉप वाले फार्मर, लेकिन वो एनपीए नॉर्म्स लगाते वक्त बैंक वाले मोनोक्रॉप के फार्मर की गाइडलाइंस को लेके आ जाते हैं। एडवांस तो करेंगे ड्यूल क्रॉप के बेसिस पे, एनपीए गाइडलाइंस के लिए लेके आ जाएंगे पीरियड मोनोक्रॉप के बेसिस पे, और इसीलिए इतना झगड़ा होता है। अगर मोनोक्रॉप वाला फार्मर है तो जो जुलाई 2016 में जो हमने दिसंबर 2016 के बीच में डिस्बर्समेंट कर रहे हैं, उस डिस्बर्समेंट से कि फर्स्ट जो उसका क्रॉप सीजन आएगा वो जुलाई 17 में आएगा, क्योंकि मार्च अप्रैल में फसल आएगी और मार्केट करेगा, ड्यू डेट उसकी जुलाई 17 आएगी। तो उसके बाद में उसका फर्स्ट क्रॉप सीजन जुलाई 18 में आएगा, सेकंड क्रॉप सीजन उसका जुलाई 19 में आएगा। तो अगर सिंगल क्रॉप वाला फार्मर है तो उसको एक तरीके से 30 से 36 महीने मिल जाते हैं, इसमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर ड्यूल क्रॉप वाला है तो 18 से 24 महीने मिलते हैं, सिंगल क्रॉप वाला है तो 30 से 36 महीने मिलते हैं। अब एज ए ऑडिटर एनपीए बनने के लिए तो एज ए ऑडिटर हमको यही समझना है कि फार्मर है वो मोनोक्रॉप वाला है या ड्यूल क्रॉप वाला है। अगर आपने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप हर लेवल पे बैंक वालों से डिस्कस कर सकते हैं, और एनपीए आप विथ फैक्ट्स विथ रेगुलेशंस अगर आप उनसे विथ सर्कुलर बात करेंगे तो आपकी बात को और आपकी एमओसी को कोई चैलेंज नहीं करेगा। ये जो मैं चीज बोल रहा हूँ ये और जो एग्जांपल मैंने उसको डिस्कस नहीं किया, अपने इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट में ये हमने 2 साल पहले उसको पूरा अपडेट कर दिया था। अभी भी वाले 2020 के 2020 वाले एडिशन में भी ये हैं। अब उस गाइड मतलब पूरे चैप्टर में एनपीए क्लासिफिकेशन का प्रोसेस पूरा सिंगल क्रॉप का ड्यूल क्रॉप वाला समझाया हुआ है। तो आप अपने गाइडेंस नोट से रेफरेंस लेके इस चीज को समझ लेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब टू समराइज एग्रीकल्चर एडवांसेस 3 चीज हो गई, टाइप क्या है, ये टर्म लोन है सीसी है, दूसरा क्रॉपिंग सीजन क्या है, रबी है खरीफ है, और फार्मर मोनो वाला है या ड्यूल वाला है। ड्यूल वाला है तो आप 24 महीने का एक दे दो अपना थंब रूल के हिसाब से, मोनो वाला है तो 30 महीने के हिसाब का आप देख लो, उससे पीरियड के ज्यादा की आउटस्टैंडिंग है तो अकाउंट एनपीए है। अब दूसरी चीज एग्रीकल्चर एडवांसेस में आती है, वो आती है नेचुरल। आप जाके कहोगे तो वो बोलता है सर अकाल पड़ गया था, सब डेफर हो गई, सब माफ हो गया, और अकाउंट हमारे यहाँ तो कोई एनपीए बनाया नहीं, सब डेफर हो गया था। अभी हो सकता है आप कोविड के चक्कर में ये बोल देंगे भैया। तो आपको ये समझना होगा कि जो नेचुरल कैलेमिटीज का जो है उसका एक सेट प्रोसेस है, आरबीआई की गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फॉर रिलीफ मेजर बाय बैंक्स इन द एरियाज अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज। ये आरबीआई का मास्टर सर्कुलर है जो, और ये तो अभी लेटेस्ट में वो रिवाइज हुआ है। इसके हिसाब से एक सेट प्रोसेस है, उस सेट प्रोसेस के को फॉलो करते हुए ही ब्रांचेस एग्रीकल्चर एडवांसेस को रिस्ट्रक्चर कर सकती हैं। उस प्रोसेस उस सर्कुलर में बोला गया है कि कौन सा एग्रीकल्चर एडवांस एक कौन से एरिया में सूखा पड़ा है, ड्राउट पड़ा है, फ्लड आया है, ये नेचुरल कैलेमिटीज हुई है, ये डिसाइड करेगी एसएलबीसी। तो हर साल एसएलबीसी का सर्कुलर निकलता है जिसमें अगर ऐसा कुछ होता है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इन एरियाज में ही नेचुरल कैलेमिटीज का इंपैक्ट है। इवन कई बार ये होता है कि एक तहसील के 10 गांवों में होता है, 10 गांवों में नहीं होता है। मतलब इतना तक मतलब पंचायत वाइज आइडेंटिफिकेशन होता है कि लैंड कहां सिचुएटेड है। तो कई तो ये देखना रिस्ट्रक्चरिंग की टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा फॉलो करना है, जैसे उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए बिना बोरोवर की एप्लीकेशन के, बिना बोरोवर की रिक्वेस्ट के। आरबीआई ने साफ बोल रखा है कि ये बैंक अपना सुमोटो रिस्ट्रक्चर ही नहीं कर सकता। अभी भी आप देखेंगे कि जो ये मॉरिटोरियम देने की बात आई है 3 महीने का कोविड-19 के लिए, उस पर भी बैंकों ने बोला है कि लेटर दीजिए। इवन प्राइवेट बैंक ने तो अपने मोबाइल ऐप में ही आपसे रिक्वेस्ट मांग ली, क्योंकि एज पर आरबीआई गाइडलाइंस आप बिना रिक्वेस्ट के उसके अकाउंट का मॉरिटोरियम है, वो कुछ बेनिफिट मतलब आप वो एलिजिबल है तो भी उसकी रिक्वेस्ट जरूरी है। ये देखा गया है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज का बहाना करके उन एरियाज में भी रिलीफ दे दिया गया जहां पे कोई ड्रॉट ही नहीं था, वो लिस्ट एसएलबीसी के एरियाज में नहीं थे। बाद में आरबीआई ने इंस्पेक्शन किया, आरबीआई इंस्पेक्शन में निकालती है कि ये तो 5000 अकाउंट गलत आपने जो एनपीए होने थे आपने रिस्ट्रिक्शन के गलत बेनिफिट दे दिया। एज पर डेट सर्कुलर वो कैटेगरी बोलता है कि जो डिफॉल्ट पीरियड है उसका जो उसमें जो पेमेंट मतलब जो ड्रॉट का पीरियड है या नेचुरल कैलेमिटीज का अफेक्टेड पीरियड है उस पीरियड में जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है उस इंस्टॉलमेंट को आपको सेपरेट टर्म लोन में कन्वर्ट करना है और उसी की आपकी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। तो ज्यादातर बैंक इसको भी फॉलो नहीं करते हैं। तो एज ए ऑडिटर हमको ये देखना है कि जो एलिजिबल अकाउंट्स हैं उन एलिजिबल अकाउंट्स को ही रिलीफ मिला गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रांच ने एनपीए प्रिवेंट करने के लिए इन एलिजिबल अकाउंट्स को भी ये बेनिफिट दे दिया। अजय जी सर एक सेकंड, मैं चाह रहा हूं कि आप स्क्रीन शेयर को वापस से करें। मैं एक बार स्क्रीन शेयर को हटा रहा हूं, तो आप एक बार स्क्रीन शेयर वापस कीजिएगा। मैंने स्टॉप किया सर स्क्रीन शेयर अभी आपका, तो एक बार आपको मैं स्क्रीन शेयर के लिए बोलना चाहूंगा। आप मुझे वापस एबल करें। यस सर। आई थिंक अब परफेक्ट हो गया है। तो सही लाइंस थी वो सब चले गई। राइट सर, रिफ्रेश हो गई। ठीक है, कैरी करूं मैं? हाँ सर प्लीज। आपने ठीक है, ओके। तो हमको ये देखना है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज की है एज पर सर्कुलर की हुई है और एलिजिबल बोरोवर्स को उसका बेनिफिट दिया हुआ है। अब जो हम सर्टिफिकेट्स की बात करेंगे तो दो मेजर इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं, वो मैं यही कवर कर लेता हूं। इंटरेस्ट सबवेंशन के सर्टिफिकेट्स, हर मतलब हम जितने सारे सर्टिफिकेट्स देते हैं उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन के सर्टिफिकेट सब जगह मिलते हैं। इवन वो अगर आई थिंक 8 या 10 तरीके के इंटरेस्ट सबवेंशन के सर्टिफिकेट्स हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर के जो सर्टिफिकेट्स हैं। आप ये मान के चलिए कि जो सर्टिफिकेट्स हैं हमारे उसके अपना इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट आ चुका है जनरल पर्पस सर्टिफिकेशन के लिए कैसे करना है, हमको उसको फॉलो करना है। तो इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट में भी बताया हुआ है और मैं भी आपको रिलेट कर देता हूं कि एक पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसेस हमको फॉलो करना है सर्टिफिकेट इश्यू करते वक्त। ये देखा गया है कि वो सर्टिफिकेट्स में मतलब ये प्रैक्टिकली देखा है कि जहां हमको टेस्ट बेसिस पे काम करके ट्रू एंड फेयर बेस देनी है उसमें तो हम हमारा 98% टाइम दे रहे हैं और जहां मुझे ट्रू एंड करेक्टनेस सर्टिफाई करनी है सर्टिफिकेट्स में वहां हम पूरी बैंक ऑडिट के टेंडर का 2% लेस देन 2% टाइम दे रहे हैं। वो सर्टिफिकेट बना के लाता है, हम पता नहीं उसकी फिगर्स को किस तरीके से वेरीफाई कर पाते हैं। ये प्रैक्टिकली मेरे साथ भी होता है। तो आप जाओगे जब तक तो कहेगा सर्टिफिकेट बन रहा है और लास्ट मोमेंट में आपको सर्टिफिकेट ला के दे देगा। और तो हमको सर्टिफिकेट्स के लिए पहले से प्लानिंग करनी है, स्पेशली इंटरेस्ट सबवेंशन के सर्टिफिकेट्स के लिए। आप ये मान के चलिए इंटरेस्ट सबवेंशन के सर्टिफिकेट्स में आपने जो फिगर सर्टिफाई करी है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने कंसोलिडेटेड फंड से पेमेंट कर रही है इन बैंक्स को। और सीएजी बाद में इन सर्टिफिकेट्स को लेके बहुत दिक्कत भी कर रहा है जब वो गवर्नमेंट की ऑडिट कर रहा है कि ये इतने गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, सर्टिफिकेट्स प्रॉपर नहीं थे, बैंकों के क्लेम प्रॉपर नहीं थे। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसका जो सर्टिफिकेट्स का जो ऑडिट प्रोसीजर है कि हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना चाहिए कि भाई कौन कौन सी स्कीम के एलिजिबल फार्मर्स कौन कौन से हैं, एलिजिबल बोरोवर्स की लिस्ट ले लेनी चाहिए, इंटरेस्ट प्रॉपरली चार्ज होना चाहिए उस अकाउंट पे सबवेंशन के लिए, और सबवेंशन की जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए बोरोवर वाइज। आपको हो सकता है कई जगह ये मिलेगा कि ये तो रीजनल ऑफिस ने करके भेजी है जी सर्टिफिकेट कैलकुलेशन, उन्होंने फिगर हमें तो कहा ये फिगर भर के सर्टिफिकेट साइन करा लो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप ऐसे सर्टिफिकेट्स को साइन ना करें, अगर करते हैं तो विद फुल डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर करें कि आप इसको कुछ भी आपने इसमें कुछ भी कैलकुलेशन चेक नहीं करी है, ताकि सेंट्रल ऑडिटर उस चीज को उसके बेसिस पे अपनी कॉल ले सकें। आप ये मानिए चलिए जो सर्टिफिकेट आपने साइन किया है उसकी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सेंट्रल ऑडिटर सिर्फ कंसोलिडेट करता है और अपनी प्रीएम्बल में लिख देता है इट इज द कंसोलिडेशन बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट्स गिवन बाय द ब्रांच ऑडिटर्स। तो आपकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके क्लेम में कहीं भी कोई दिक्कत है तो उस सर्टिफिकेट के केस में हम खुद रेस्पॉन्सिबल हैं। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि हमको ट्रू एंड करेक्टनेस सर्टिफाई करनी पड़ती है। जब हम ट्रू एंड करेक्टनेस सर्टिफाई कर रहे हैं तो हमको सब्सटेंसिव टेस्टिंग करनी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सैंपल ले लिया, दो चार सैंपल ले लिए, उसको कर लिया। जब आपको एक अपना जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोलता है ट्रू एंड करेक्टनेस पे सब्सटेंटिव टेस्टिंग का, हमको सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी है। सिमिलरली डेट वेवर के लिए राजस्थान में डेट वेवर का शायद कुछ इंपैक्ट आएगा। वैसे भी उन्होंने नेशनलाइज बैंक्स पे दिया नहीं, कोऑपरेटिव बैंक्स पे दिया था राजस्थान में। तो सिंपल प्रोसेस है, मैं इसको स्किप कर देता हूं। अब जो आज का जो मेन टॉपिक है, अपन उस पर बात करते हैं। LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, जिसका नाम ही है लॉन्ग फॉर्म, एक्सपीरियंस है शॉर्ट फॉर्म का। आई थिंक सब इसको एग्री करेंगे कि लॉन्ग फॉर्म की जगह हम इसको शॉर्ट फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट कर देते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट क्या है? यह रिपोर्ट रिपोर्टिंग टू RBI है। ये फर्स्ट जो 1985 में इंट्रोड्यूस हुई थी और लास्ट अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। इंस्टीट्यूट ने इसका 2-3 ड्राफ्ट बना चुका है। रिवीजन के लिए मीटिंग होती है, कंक्लूड नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में रिडंडेंट हो चुकी है। जिस हिसाब से ऑटोमेशन हो चुका है बैंकों का, उसके हिसाब से हो चुकी है। ये प्योर क्वेश्चनर फॉर्म है और सिस्टम में प्रोसीजर्स पे, मतलब आप ये समझिए जो इंपोर्टेंस एक कारो रिपोर्ट की होती है कंपनीज के केस में, जिसमें हम सिस्टम, प्रोसीजर्स और चीजों पे कमेंट करते हैं। सिमिलरली जो या एक तरीके से जो प्राइवेट, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की ऑडिट करते हैं, जो पुराने जमाने में 6193 की रिपोर्ट हुआ करती है, 1145 की रिपोर्ट हुआ करती है, सब डायरेक्शन CAG से आते हैं। तो ये एक तरीके के आप समझिए कि डायरेक्शंस ये सब डायरेक्शंस हैं जिन पे कि हमको कमेंट करके देना है। इट इज टूल ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बेसिकली है ये इंटरनल कंट्रोल के लिए है। और जैसा मैंने कह रहा था कि हमने इसको क्या लॉन्ग फॉर्म की जगह शॉर्ट फॉर्म कर दिया, यस नो नॉट एप्लीकेबल, यस नो नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। प्लीज ऐसा नहीं करें, आप अपने फुल कमेंट्स इसमें देवें LFAR में। यस नो नॉट एप्लीकेबल से LFAR का पर्पज ही खत्म हो जाता है। LFAR को बनाते वक्त हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, हम उसको आप ये मान के चलिए LFAR इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ मेन ऑडिट रिपोर्ट। मेन ऑडिट रिपोर्ट में आप ट्रू एंड फेयर व्यू को सर्टिफाई करते हैं, तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इंस्टेंस, कोई भी एक्टिविटी जो ट्रू एंड फेयर व्यू को इम्पेयर कर रही है, उस एक्टिविटी का हम मेन ऑडिट रिपोर्ट में नहीं करके और LFAR में लिख देंगे तो हम हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एब्जॉल्व नहीं होंगी। आपको बैंक वाले हमेशा बोलेंगे सर MOC मत दो, इसकी इसको मत करो, आप तो LFAR में लिख दो। प्लीज आप मान के चलें कि LFAR में लिखने से अगर उस अकाउंट को किसी को NPA क्लासिफाई करना है और आपने उसको LFAR में लिख दिया तो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से एब्जॉल्व नहीं हुए हैं। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी अगर वो NPA बन रहा था तो उसको MOC में ही देना है और NPA ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाई करना है, अगर MOC में अगर नहीं जा पाता तो किसी भी वजह से। आप मेर रेफरेंस इन LFAR ठीक नहीं है, मतलब LFAR ऑडिट रिपोर्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरा ये देखा गया कि क्रॉस रेफरेंसेस बहुत कर देते हैं। आप भी मान के चलिए कि मेन ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, LFA और सर्टिफिकेट्स, ये जो चारों एक्टिविटीज हैं, ये चारों एक्टिविटीज हेड ऑफिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डील होती हैं। हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट फर्म और सेंट्रल ऑडिटर द्वारा डील की जाए, एक फर्म LFAR देख रही है, एक फर्म टैक्स ऑडिट देख रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी क्रॉस रेफरेंस में ये लिखा हुआ आ जाता है कई बार मेन ऑडिट रिपोर्ट में, काइंडली रेफर पॉइंट नंबर 16 ऑफ LFAR, या LFAR में लिखा हुआ आ जाता है काइंडली रेफर पॉइंट नंबर 30 ऑफ मेन रिपोर्ट। प्लीज ऐसा नहीं करें, रेफरेंस करने के बजाय फुल डिस्क्रिप्शन आप उस रिपोर्ट के अंदर देते। LFAR में LFAR के डिस्क्रिप्शन पूरे देते हैं, मेन ऑडिट रिपोर्ट में मेन ऑडिट रिपोर्ट के साथ डिस्क्रिप्शन देते हैं। LFAR शुड बी क्लियर ऑन फैक्ट्स, आपके फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एक कॉमन लैंग्वेज मत यूज करो। इन सम ऑफ द केसेस वी ऑब्जर्व, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन सम ऑफ द केसेस है तो आप 5 एग्जांपल जो आपने केस देखे हैं, 5 इलस्ट्रेशन है, 3 इलस्ट्रेशन है, 2 इलस्ट्रेशन है, आप उसको देवे कि इस अकाउंट नंबर में हमको ये मिला। मतलब इन सम ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस लिख के जो पर्पज है वो प्रॉपर नहीं होता और उसको बाद में बहुत दिक्कत आती है और कई बार तो उसको रीऑडिट करनी पड़ जाती है। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ एलएफएआर। एलएफएआर की आपको डे वन से ही बैंक ऑडिट शुरू करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार तो आपने एनपीए क्लासिफिकेशन के लिए एडवांसेस की फाइल देखी, फिर एलएफआर को बनाने के लिए एडवांसेस की। अगर एक ही फाइल को आप चार बार निकलवाओगे तो बैंक वाला भी इरिटेट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। हमको एक लिमिटेड टाइम में परफेक्ट तरीके से ऑडिट करनी है। एक लिमिट टाइम तो बहुत लिमिटेड होता है हमारे पास, तो आप डे वन से प्लानिंग कीजिए, एलएफआर की चेकलिस्ट साथ में रखिए। जब आप एडवांस की फाइल देख रहे हैं तो उसी वक्त जो क्वेश्चंस एलएफआर में पूछे गए हैं उसका हमको उस पर वो करना है, साथ के साथ ऑब्जर्वेशन नोट करनी है ताकि एलएफआर के कंपाइलेशन करते हुए, एलएफआर बनाते वक्त हम उसको कर लें। अवॉइड कॉपिंग रिमार्क्स फ्रॉम द प्रीवियस रिपोर्ट्स। ये बहुत बार देखा गया है कि पिछली बार की ऑडिट रिपोर्ट में जो था उसी के रिमार्क्स को कॉपी कर दिया है। इवन कई बार तो ये होता है बैंक मैनेजर बोलता है सर एलएफआर तो मेरे स्टाफ ने बना दी, आप तो उस पर साइन कर दो। आप ऐसा ना करें, जो काम हमें करना है वो बोले मैनेजर को भाई जो काम हमें करना है हम खुद करेंगे और प्रीवियस ईयर के रेफरेंस आप नाले में। दूसरी चीज एक देखने में आई है कि कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशंस को भी एलएफआर में एज इट इज कॉपी कर दिया जाता है, जबकि पता चलता है कि वो अप्रैल तक तो रेक्टिफाई भी हो चुकी है कई। डेफिनेटली कॉन्करेंट ऑडिट की जो रिपोर्ट्स हैं एलएफआर बनाने में एक बहुत अच्छी हेल्प करती है, लेकिन हमको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि एक तो एलएफआर में जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड कमेंट हो, दूसरा वो अनरेक्टिफाइड हो टिल द साइनिंग ऑफ द एलएफआर। अगर वो रेक्टिफाइड हो चुका है तो फिर उसका कोई पर्पज नहीं है। जो एलएफआर के लिए हमको इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए वो हम डे वन पे ही ब्रांच को लेटर लिखकर मांग लेंगे कि भैया ये एलएफआर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो एलएफआर में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। एडवांसेस के अलावा भी ओवरड्यू टर्म डिपोजिट है, सन्ड्री डिपोजिट है, सस्पेंस है, इंटरब्रांच अकाउंट्स हैं, फिक्स असेट्स हैं, बैंक गारंटीज हैं, डिवॉल्व बैंक गारंटीज, ये बहुत सारे आइटम्स हैं जिनके बारे में एलएफआर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सब के लिए हमको डे वन पे ही ब्रांच को लेटर दे देना चाहिए कि भैया ये चीजों की डिटेल्स आप हमें हमारे लिए तैयार करके रखें, ताकि और जो इंफॉर्मेशन उसने दी है उसकी हमको करेक्टनेस को वेरीफाई करके हम उसको वो करें। मैं एक बार इसको चेंज कर रहा हूं स्क्रीन को, तो 5 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है, मेजर पार्ट्स जो एलएफआर के हैं। अब तक तो हम देख रहे थे कि एलएफआर के लिए हमको प्रिपरेशन क्या करनी है, अब हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। तो एलएफआर में असेट साइड में कैश बैलेंस विद आरबीआई, अदर बैंक्स, मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट्स, एडवांसेस और अदर असेट्स। फिर लायबिलिटी साइड में के जो पॉइंट्स उन्होंने लिए हैं डिपॉजिट्स, अदर लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के लिए, फिर जनरल है, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, रिकंसिलिएशन ऑफ कंट्रोल एंड सब्सिडी रिकॉर्ड्स, इंटर ब्रांच अकाउंट्स, ऑडिट्स, इंस्पेक्शंस, फ्रॉड्स, अदर मिसलेनियस मैटर्स। फिर उसके बाद में एनेक्जर्स हैं जो लार्ज अकाउंट्स के लिए और एक है स्पेशलाइज्ड ब्रांच के लिए जो कि फॉरेक्स में डील करती है और वो अलग करती है। अब हम क्लॉज टू क्लॉज रिपोर्टिंग की बात कर लेते हैं जो एलएफआर में है। कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस में फिजिकल वेरिफिकेशन हमको करना चाहिए। नॉर्मली अगर लोकल ब्रांच होती है 31 मार्च को प्रेफर करते, लेकिन अभी तो सर्कमस्टेंसेस नहीं थे, लेकिन आप जिस भी दिन ऑडिट शुरू करें आपको एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। हमको कैश में ये रिपोर्ट करना है कि कैश जो था विद इन प्रेस्क्राइब लिमिट था या नहीं था। जो कंट्रोलिंग ऑफिस ने लिमिट प्रेस्क्राइब की हुई है उस लिमिट में कैश था नहीं, तो जो एक्सेस कैश है उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। इंश्योरेंस फॉर कैश एंड कस्टडी, कैश इन ट्रांजिट, ये हेड ऑफिस लेवल पे होता है। ब्रांच को एक लिमिट प्रेस्क्राइब हो जाती है कि इतने लिमिट का आपका इंश्योरेंस है, तो अगर अंडर इंश्योरेंस है तो वो भी हमको एलएफआर में रिपोर्ट करना है। कैश शुड बी हेल्ड इन जॉइंट कस्टडी, तो जॉइंट कस्टडी में कैश होना चाहिए, उसके बारे में रिपोर्ट करना होता है। जो ब्रांच हेड ने या जो दूसरी अथॉरिटीज हैं उन्होंने कैश का वेरिफिकेशन कब किया है, नॉर्मली कैश कैशियर के पास होता है, वो इंचार्ज होता है, लेकिन ब्रांच हेड और वो भी पीरियडिकली, एक पीरियडिसिटी होती है एज पर द एसओपी ऑफ द बैंक कि उन्होंने कब रखे, वो हमको देखना है। और जो सोइल नोट्स हैं, मिसिंग टोकन्स हैं, और दूसरे नोट्स हैं उनका क्या प्रोसेस है, उसको बच करके हमको एलएफआर का क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। बैलेंसेस विद आरबीआई एसबीआई, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एलएफआर में बैलेंसेस विद आरबीआई एसबीआई एंड अदर बैंक्स। नाउअडेज जब से सीटीएस चालू हो गया अक्रॉस द कंट्री, इन अकाउंट्स की कम कर दो। पहले जहां पे नॉन सीटीएस एरियाज थे, जहां पे क्लियरिंग हाउसेस नहीं थे, वहां पे बैंक्स जो क्लियरिंग हाउस मैनेज कर रहा है, नॉर्मली एसबीआई करता था या कोई दूसरा बड़ा बैंक क्लियरिंग हाउस मैनेज कर रहा है, उसके यहाँ पे अपने अकाउंट्स रखते थे। तो वो अकाउंट्स अभी भी हैं, हमें उन अकाउंट्स का देखना है कि बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट 31 मार्च का आ गया क्या, अकाउंट स्टेटमेंट आ गया क्या, कोई डिफरेंस है क्या, कोई आउटस्टैंडिंग एंट्रीज है क्या, जो कि हमको अगर 6 महीने से पुरानी कोई आउटस्टैंडिंग एंट्रीज हैं तो हमें उनकी एलएफआर में रिपोर्टिंग करनी है कि ये आउटस्टैंडिंग एंट्रीज थी जो कि जो अकाउंट विद आरबीआई जो अकाउंट विद एसबीआई है उसके अंदर थी, तो हमें उसकी रिपोर्टिंग करनी है। मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस, नॉर्मली ये ट्रेजरी ब्रांच पे होता है, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता नहीं है ब्रांचेज में। फिर भी अगर ब्रांचेज में कोई इस तरीके का ट्रांजेक्शन हो तो जो हेड ऑफिस की कंप्लाइंस है उसके हिसाब से हमको चेक करना है, पर ट्रेजरी ब्रांच के अलावा ये ट्रांजेक्शन आपको मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस का नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट्स, यह भी इन्वेस्टमेंट्स भी हेड ऑफिस में या ट्रेजरी ब्रांच में ही होते हैं, नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पे कि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे थे जहां पे कि यहाँ की लोकल ब्रांचेज उनको मैनेज कर रही हैं, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स ब्रांच के पास हैं तो हमें उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। अगर नॉन डीमेट फॉर्म में है तो डीमेट फॉर्म में होंगे तो वो डीमेट अकाउंट से रिकंसाइल हो जाएंगे, नॉन और उन इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट इनकम, अक्रूड इंटायर डिविडेंड जो भी आना है उसकी अकाउंटिंग इनकम की हो रही हुई है नहीं है वो हमको वेरीफाई करना है और उस हिसाब से हमको कमेंट करना है। फिर पॉइंट आता है एडवांसेस का कि हमें एडवांसेस पे एडवांसेस का जो रिपोर्टिंग है इसको भी इन्होंने 4 पार्ट में डाला है, क्रेडिट अप्रेजल, सैंक्शन डिसबर्समेंट, रिव्यू मॉनिटरिंग और चौथा है डॉक्यूमेंटेशन। इन चारों पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस दिए हैं और हम उनको स्पेसिफिक क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है। अब पहले क्रेडिट अप्रेजल को समझ लें। क्रेडिट अप्रेजल का मतलब हो गया जो लोन को सैंक्शन करते वक्त उसका अप्रेजल किया ब्रांच ने या सैंक्शनिंग अथॉरिटीज ने कि उसकी एलिजिबिलिटी था या नहीं है, उसकी एलिजिबिलिटी के नॉर्म्स थी, उसकी इनकम क्राइटेरिया उतने है या नहीं है, तो जो प्रोसीजर्स हैं उसके हिसाब से अप्रेजल हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा सैंक्शन डिसबर्समेंट कि क्रेडिट के लिए अप्रेजल तो हो गया उसका, फिर उसको जो सैंक्शन किया गया तो सैंक्शन में सारी कंडीशंस जो उस स्कीम से रिलेटेड बैंक की हैं वो स्टिपुलेट की है नहीं है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन जो उस बोरोवर के साथ अटैच्ड है वो, जैसे कंडीशन हो सकती है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की, कंडीशन हो सकती है असेट्स के परचेज की कि कहां से आएगी, कंडीशन हो सकती है पुराना कोई बैंक अकाउंट दूसरी जगह चल रहा है उसको क्लोजर कराने की, कहीं दूसरी जगह करंट अकाउंट चल रहा है। तो अप्रेजल, अप्रेजल के बाद में सैंक्शन, सैंक्शन जो बनाई गई है या डिस्बर्समेंट का जो प्रोसेस हुआ है वो एज पर बैंक गाइडलाइंस हुआ है नहीं हुआ है। डॉक्यूमेंटेशन, हर बैंक की अपनी लोन पॉलिसी होती है, हर लोन पॉलिसी के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रेस्क्राइब्ड हैं कि इस लोन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। जो प्राइवेट बैंक्स बहुत एडवांस हैं उन्होंने तो डॉक्यूमेंट्स को बुकलेट फॉर्म में बना दिया, आपको होम लोन लेना है तो सारे डॉक्यूमेंट्स की किताब आ जाएगी, आपको उस पर साइन कर दो, सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ आ जाते हैं। अभी भी नेशनलाइज बैंक्स में बुकलेट का सिस्टम नहीं आया है, वहां तो वो अगर 20 डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो अपनी लिस्ट के हिसाब से 20 डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है, साइन कराता है और फिर वो लेता है। तो हमको ये देखना है कि वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे जो डॉक्यूमेंट्स उस लोन के लिए चाहिए थे वो एग्जीक्यूट हुए हैं या नहीं हुए हैं। रिव्यू मॉनिटरिंग सुपरविजन है कि जो ब्रांच ने जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहते जो लेट डाउन प्रोसीजर है रिव्यू रिन्यूअल का वो फॉलो किया है नहीं किया है। अब ये चीज आती है कि हम इन सब चीजों को देखें कैसे करें कैसे, तो मैं अब कुछ स्टेप्स ले रहा हूँ। ये चारों चीजें कलेक्टिव है क्योंकि आप जब फाइल देखेंगे तो आपको उसका सैंक्शन से लेके डॉक्यूमेंटेशन और उसकी आगे रिव्यू रिन्यूअल तक का सारी चीजें उस फाइल में मिलेगी। तो हमको ये देखना है कि हम किस तरीके से इसको प्रॉपरली करते हैं। whether sanction has been made as per the bank policy. भाई अगर sanction किया तो हमको चेक करना है कि बैंक की पॉलिसी के हिसाब से sanction हुई थी नहीं हुई थी. अगर मान लो बैंक की पॉलिसी नहीं है, अगर बैंक की पॉलिसी है कि 3 साल की डॉक्यूमेंटेड इनकम लेके ही हमको लोन सैंक्शन करना है, उसने ली नहीं तो पॉलिसी के अगेंस्ट में चला गया. या बैंक की पॉलिसी थी कि अगर कोई पॉलिटिकली कनेक्टेड पर्सन है तो हमको उसको लोन नहीं देना है, आपने उसको लोन दे दिया तो वो आपका पॉलिसी के जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में आ गया. तो हमको देखना है कि पॉलिसी के हिसाब से लोन हुआ था. क्रेडिट अप्रेजल रिपोर्ट्स कंटेन एडुकेट इंफॉर्मेशन. जो अप्रेजल रिपोर्ट बन रही है कि एलएफआर में जो चीजें करनी है, तो हमने बैंक सैंक्शन की बात कर ली, अप्रेजल की बात कर ली, सैंक्शन चेक वेदर सैंक्शन टर्म्स हैव बीन कंप्लाइड विद. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया. डिसबर्समेंट हो जाता है, सैंक्शन की टर्म्स फुल्ली कंप्लाई नहीं होती. For instance, hello, आवाज आ रही मेरी? Yes sir, perfectly, it is perfect. Perfectly. तो especially promoter contribution की जो conditions लगी होती है वो follow नहीं होती है. तो उसको दे loan sanction किया 10 करोड़ का, उसमें कंडीशन थी कि 3 करोड़ का प्रमोटर कंट्रीब्यूशन आएगा बिफोर डिसबर्समेंट. वो नहीं आ पाता है. कई बार फ्रेश इशू कन्वर्जन होता है कुछ लोन्स का इक्विटी में, वो नहीं हो पाता है. या चेंज इन प्रोजेक्ट हो चुका है. जब सैंक्शन किया था तब पर्टिकुलर मशीन लेनी थी, से फॉर एग्जाम्पल को 5 करोड़ की मशीन लेनी थी, बाद में वो मशीनरी 3.5 करोड़ की हो गई, 4 करोड़ की हो गई, तो उसका इम्पैक्ट ना तो सैंक्शन रिवाइज भी ना और कुछ होता है. तो हमको देखना है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है, या कोई मॉर्गेज था या कोई इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट होनी थी, चार्ज क्रिएट होना था, तो जो सैंक्शन की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो कंप्लाई करी है नहीं करी है. चेक वेदर ऑल द डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज हैव बीन कंप्लाइड विद बिफोर द रिलीज ऑफ फैसिलिटी. अब डॉक्यूमेंट फैसिलिटी कैसी होगी? तो लोन डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद अप्रूव्ड डिटेल्स एंड ड्यूली साइंड बाय बोरोअर एंड बैंक ऑफिशियल्स. कई बार देखा है कि बैंक वाले का साइन ही नहीं होते ब्रांच हेड के, और केवल उन्होंने टिक लगा दिए, बोरोवर ने तो साइन कर दिए, वो पूरा भरा हुआ ही नहीं है. तो अगर ऐसा कुछ है, आप इस बात का ध्यान रखें कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर रहे हैं, आप उस पर कोई भी मार्किंग ना करें, और अगर आपको कुछ करनी है तो पेंसिल से ही मार्क करें. लीगल लोन डॉक्यूमेंट्स पे कोई पेन से अपने आर्टिकल्स को, ऑडिट असिस्टेंट्स को भी आप बिल्कुल ब्रीफ कर दें कि लोन डॉक्यूमेंट्स लॉ ऑफ कोर्ट में कभी भी प्रोड्यूस किया जा सकता है बैंक के द्वारा, तो हम उनपे कोई भी इस तरीके का इंप्रेशन इंक से ना करें. जो कुछ भी करना है, या तो हम उसकी कॉपी ले लें, या हम उसको पेंसिल से करें, या सेपरेट पेज पे अपन मार्क कर लें उसको. लोन डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड एंड अप्रूव्ड बाय द लीगल डिपार्टमेंट और वेटेड बाय द एडवोकेट ऑफ द पैनल ऑफ द बैंक. हमको ये एंश्योर कर लेना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट्स थे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गए हैं, और हर बैंक के पैनल पे एडवोकेट है, एडवोकेट ने उनको कंफर्म कर दिया है ना कि डॉक्यूमेंटेशन में कोई नहीं है. फ्रेश लोन डॉक्यूमेंट्स आर ऑब्टेन ऑन चेंज इन लिमिट, चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ द बोरोवर. ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर लिमिट पहले 1 करोड़ की थी, बढ़ के 1.5 करोड़ की कर दी है, तो नए डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. कंस्टिट्यूशन चेंज हो गया, कंस्टिट्यूशन चेंज से मतलब प्रोपर्टरशिप फर्म थी, पार्टनरशिप में आ गई, फर्म एलएलपी बन गई, एलएलपी कंपनी बन गई, कंपनी एलएलपी बन गई. तो जैसे कंस्टिट्यूशन चेंज हो गया, इवन चेंज इन पार्टनर्स भी चेंज इन कंस्टिट्यूशन है, तो अगर पार्टनर्स चेंज हो गए तो भी हमारे को, और डायरेक्टर्स चेंज होगा तो पर्सनल गारंटी के हिसाब से चेंजेस होंगे सारे के सारे. तो हमको एंश्योर करना है कि ये चेंजेस हो जाएं. ओरिजिनल एग्रीमेंट, शेयर सर्टिफिकेट, टाइटल डेट, टाइटल क्लियर सर्टिफिकेट्स, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स आर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड. बिल्कुल एंश्योर करें कि एज पर सैंक्शन टर्म्स एंड कंडीशन जिन भी चीज की मॉर्गेज होनी थी, प्लेज होनी थी, वो चीजें बैंक के पास में इन ओरिजिनल आ गई है ना. ऐसा तो नहीं है कि मॉर्गेज नहीं हुई और डिसबर्समेंट हो गया हो. वो यही क्वेश्चन स्पेसिफिकली एलएफआर में पूछा गया है कि सैंक्शन डिसबर्समेंट की टर्म्स कंडीशंस को पूरा किया नहीं किया. चेंज ऑन सिक्योरिटीज ऑफर्ड हैव बीन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज. अब हमको ये भी देखना है कि केवल आरओसी में रजिस्ट्रेशन तो कॉर्पोरेट्स का होता है, आरओसी के अलावा सरसाई में भी रजिस्ट्रेशन होता है सिक्योरिटीज का. तो ये एंश्योर करना है कि आरओसी एज वेल एज सरसाई में जहां भी एप्लीकेबल है रजिस्ट्रेशन हो गया ना. ओरिजिनली लिया था तब भी प्रॉपर्टी का मॉर्गेज वगैरह सब रजिस्टर्ड हो गए, और बाद में सब्सिक्वेंटली कोई चेंजेस हुए हैं तो वो भी सब रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लीन मार्किंग इन द केस ऑफ लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट, अगर एफडी के अगेंस्ट में लीन है तो दोनों जगह मार्क होना चाहिए, ओरिजिनल एफडी पे भी और सिस्टम के अंदर भी। तो लीन मार्किंग प्रॉपर हुई है नहीं हुई है वो हमको देखना है। इन केस ऑफ नेगेटिव लीन इज मार्क्ड इन केस ऑफ प्रॉपर्टी देन एनओसी ऑफ हाउसिंग सोसाइटी शुड बी रिकॉर्डेड, क्योंकि बेसिकली आप देखिए कि जो हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट्स हैं वगैरह उसमें महाराष्ट्र वगैरह में कॉर्पोरेट हाउसिंग केवल शेयर सर्टिफिकेट होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। तो जहाँ पे भी इस तरीके का अरेंजमेंट है केवल शेयर सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे उसको नेगेटिव लीन मार्किंग बोलते हैं, और एनओसी होनी चाहिए हाउसिंग सोसाइटी की कि ये यहाँ पे लीन किया हुआ है। इन केस ऑफ कंसोर्टियम एडवांसेस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट विद बाय द बैंक बाय द लीड बैंक। भाई जो कंसोर्टियम के एडवांसेज हैं उसमें ओरिजिनल लीड बैंक के पास होंगे, लेकिन मेंबर बैंक के पास में उसकी फोटोकॉपी जरूर होनी चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स की, एक पूरा सेट मेंबर बैंक के पास में भी होना चाहिए। अब ये भी देखा गया कि कुछ बैंक्स तो कंसोर्टियम में जो लीड बैंक ने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया उसके अलावा भी वो कुछ अपने सेपरेट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करा लेते हैं कोई डिफरेंट अरेंजमेंट्स के लिए, तो वो सब भी हमारे पास होने चाहिए। अब ये देखने में आया है कि कुछ बैंक्स ने सेंट्रलाइज कर दिया डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम कि डॉक्यूमेंट सारे के सारे सेंट्रलाइज लोकेशन पे होंगे। लोन सैंक्शन ब्रांच ने किया, सैंक्शनिंग अथॉरिटी ब्रांच थी, एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट ब्रांच में हुए, केवल उनकी स्टोरेज सेंट्रल लोकेशन पे हो रही है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको ब्रांच पे अवेलेबल नहीं होंगे। ऑडिटर इन सच सिचुएशन वुड बी रिक्वायर्ड टू विजिट सच लोकेशन एंड वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स और गेट देम एट द ब्रांच। तो आप अगर आप जिस ब्रांच की ऑडिट कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स अगर सेंट्रली लोकेशन पे रखे हुए हैं तो आपको या तो उस जगह की विजिट करके करनी चाहिए या डॉक्यूमेंट्स आपको जो चाहिए वो फाइल्स आपको आपके पास मंगा के। अगर आप केवल ये चीज देखोगे कि अगर आपने ये लिख दिया कि मैंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है। अगर आपने प्रॉपर एफर्ट्स किया फिर भी बैंक अवेलेबल नहीं कराता है तो इस डॉक्यूमेंटेशन को आप एलएफआर के साथ साथ मेन रिपोर्ट में भी एम्फेसिस ऑफ मैटर में डालें। आप नोट कर लें इस बात को कि अगर सेंट्रलाइज लोकेशन है, ये ब्रांच ऑडिट करते वक्त कई ऑडिटर्स के जब क्वेरीज के लिए फोन आते हैं तो उनमें एक जनरल क्वेरी होती है कि जो हब है वो या तो उस लोकेशन पे नहीं है जहां पे उसको ब्रांच मिली है, वो दूसरी लोकेशन पे है। उस ब्रांच वाला बोलता है कि पहले किसी ने देखा ही नहीं था तो आप भी क्या करोगे देखो। तो आप आपके पूरे एफर्ट्स करिए, आप राइटिंग में रिक्वेस्ट दीजिए कि मुझे इन डॉक्यूमेंट्स के सेट्स प्रोवाइड कराए जाए। उसके बाद ये ब्रांच अगर नहीं प्रोवाइड कराती है तो आप उसकी मेटलिटी को देखते हुए अगर वो मतलब अगर क्वालिफिकेशन बनती है तो अलग चीज, अदरवाइज एम्फेसिस ऑफ मैटर तो आपको डालना ही चाहिए कि भाई आप विदाउट क्वालिफाइंग योर ओपिनियन आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे। आप ईओएम आपकी ऑडिट रिपोर्ट में जरूर डालें। जब आप ईओएम डालोगे तो डेफिनेटली सेंट्रल ऑडिटर्स को पता चलेगा कि आपने उस ब्रांच से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वो नहीं देखे हैं, तो वो अपने हिसाब से कॉल लेगा कि उसको वो डॉक्यूमेंट देखने हैं नहीं देखने। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो ये इंप्लाइड होगा कि आपने डॉक्यूमेंट देख लिए। तो प्लीज एंश्योर करें, प्रॉपर एफर्ट्स करें, और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते हैं तो आप एलएफआर के साथ साथ मेन ऑडिट रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर डालें। एक टिपिकल प्रॉब्लम आती है कि कुछ लोकेशंस पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो लीगल टाइटल्स हैं या कोई कुछ एग्रीमेंट्स हैं वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में मिलते हैं। अपने को राजस्थान में दिक्कत है कि अपने को हिंदी इंग्लिश में मिलते हैं, लेकिन अगर आपको कोई साउथ की ब्रांच मिल गई, पता चला कि वहां पे तमिल तेलुगु कन्नड़ में डॉक्यूमेंट किया हुआ है या इवन गुजराती और मराठी के डॉक्यूमेंट्स भी कई बार हम लोगों को पढ़ने में आ जाता है, कई बार नहीं। इसलिए बेटर है कि हमको इंसिस्ट करना चाहिए कि इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्जन हमको इसका दे दिया जाए, और या फिर एक टेक्निकल एक्सपर्ट से कंफर्मेशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स हमको मिल जाए कि ये डॉक्यूमेंट्स वैलिडली एग्जीक्यूट किए हुए हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज में। और मेन चीज हमको ये देखनी है कि डॉक्यूमेंट टाइम बार तो नहीं है, लिमिटेशन एक्ट प्रॉपरली अप्लाई हो गई ना। फिर एलएफआर के क्वेश्चंस का रिप्लाई करने के लिए एक नया स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट्स 3 करोड़ 5 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एडवांसेस स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट मैंडेटरी है। साल में एक बार स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट होती है। आप स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशंस को पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये अकाउंट में क्या क्या दिक्कतें हैं, उससे आपको एलएफआर के पॉइंट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि ये अकाउंट में दिक्कत है तो मुझे इसको एनपीए क्लासिफिकेशन के लिए प्रॉपरली देखना है। रेटिंग्स बाय एक्सटर्नल एजेंसीज, जो एक्सटर्नल एजेंसीज ने रेटिंग करी है, अगर रेटिंग डाउनग्रेड्स हुई है तो डेफिनेटली इस अकाउंट में कोई ना कोई दिक्कत है। तो आप उसको चीजें देखो, आपको सैंक्शन में, डिसबर्समेंट में, क्रेडिट मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं कोई खामी मिलेगी, उससे आपको आपके एलएफआर का रिप्लाई मिलेगा। डिसबर्समेंट प्रोसेस को देखिए कि डिसबर्समेंट का प्रोसेस किस तरीके से किया हुआ था। अगर थर्ड पार्टी डिस्बर्समेंट है वो परफेक्ट है कि कोटेशंस आई, बैंक ने किया, आपने थर्ड पार्टी के नाम से बैंक ने डिस्बर्समेंट किया। अगर डिस्बर्समेंट थर्ड पार्टी नहीं है और डिस्बर्समेंट बोरोवर के अकाउंट में हुआ है, बाद में बोरोवर ने उसको यूज किया है, तो क्या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफिकेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टैट्यूट ऑफ द डेट बोरोवर आया है नहीं आया है, प्रीवियस जो इंस्टॉलमेंट डिस्बर्स हुई थी उसका यूज आ गया, उसके बाद में उन्होंने नया इंस्टॉलमेंट डिस्बर्स किया है ना। तो डिस्बर्समेंट प्रोसेस को देख के हमको एलएफआर में कमेंट डालना है। रिन्यूअल्स, सारे के सारे बैंक अब ऑनलाइन है, सीबीएस है, मेजोरिटी ऑफ बैंक में फिनाकल है और दूसरे जो सिस्टम्स भी हैं, सब में आपको ये रिपोर्ट्स मिल जाएंगी पेंडिंग रिव्यू रिन्यूअल की। हर वीकली मंथली एक रिपोर्टिंग साइकिल है, उसके हिसाब से रिपोर्ट्स मिलती हैं। लीगल एक्शंस, बैंक ने कितने अकाउंट्स पे लीगल एक्शन इनिशिएट किए हैं, सूट फाइल किए हैं रिकवरी के लिए, चाहे से वो डीआरटी में हो, चाहे से इसमें एनसीएलटी में हो, इंसॉल्वेंसी आईबीसी के थ्रू हो, या नॉर्मल सरफेसिया में रिकवरी हो, कितने रिकवरी के नोटिसेस हैं। उन रिकवरी के नोटिसेस वाले जो अकाउंट्स हैं उनको आपको, उनकी फाइल्स को आपको थॉरोली एग्जामिन करना है ताकि आपको एलएफआर के में आप प्रॉपरली रिप्लाई कर सके पॉइंट्स के। कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कितने अकाउंट्स में किया है बैंक ने, एलएफआर में क्वेश्चन है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कितना किया है, कहीं अपने जो लेजर बैलेंस है उससे ज्यादा तो सेटलमेंट नहीं किया है, सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो कंप्रोमाइज सेटलमेंट की आप लिस्ट ले लीजिए, बैंक से ब्रांच ने कितने कंप्रोमाइज सेटलमेंट किए हैं, उस कंप्रोमाइज सेटलमेंट से आपको मिल जाएगा। डीआईसीजीसी क्लेम्स, बैंक ने कितने डीआईसीजीसी क्लेम फाइल किए, ईसीजीसी क्लेम फाइल किए, उन क्लेम फाइल का भी से भी आपको एलएफआर के लिए वो मिलेंगी। बैंक गारंटी इन्वोक और एलसी डिवॉल्व, अगर किसी बोरोवर की बैंक गारंटी इन्वोक हुई है या उसने एलसी डिवॉल्व हुई है, इसका मतलब है कि वो बोरोवर स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस वाले बोरोवर को तो आपको एनपीए क्लासिफिकेशन, एलएफआर रिपोर्टिंग, सर्टिफिकेट, सब चीजों में आपको उसको देखना है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट, रेटिंग, डिस्बर्समेंट प्रोसेस, रिन्यूअल, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, इसी ये सब चीजें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं। अगर हमने इनकी इंक्वायरी डे वन पे ही ब्रांच से ले ली तो आपको एलएफआर के क्वेश्चंस को रिप्लाई करने में बहुत आसानी रहेगी और एक हम प्रॉपरली एलएफआर को रिप्लाई कर पाएंगे। यह हुई एडवांसेस की बात। अब हम इससे आगे बात चलते हैं अदर असेट्स। उसके बाद में एक कॉलम है एलएफआर में क्वेश्चन है स्टेशनरी स्टैम्प्स पर। Auditor should obtain the prescribed guidelines from the bank with regard to internal control over the issue of custody of security items. पर अब आप ये देखिए कि इसीलिए LFR को हम चेंज करने की बार-बार बात कर रहे हैं कि वो चीजें रिडंडेंट हो गई हैं, क्योंकि अब सारी की सारी चेकबुक सेंट्रलाइज है। ये मतलब स्टेशनरी और स्टैम्प्स आइटम में बेसिकली बात कर रहे हैं अनयूज चेकबुक्स की, अनयूज डीडी बुक्स की। कोई जमाना था जब डीडी बुक्स की चोरी हो जाती थी और डीडी बुक्स से फर्जी डीडी बन के फ्रॉड्स होते थे। जब एलएफआर 85 में आई थी और 2003 में जब एलएफआर रिवाइज हुई थी तब इनके सिग्निफिकेंस थे। आज उसके 20 साल बाद इन चीजों का सिग्निफिकेंस नहीं बचा है, लेकिन एक क्वेश्चन है, हमको रिप्लाई करना है कि कितने स्टेशनरी आइटम्स, स्टेशनरी के आइटम्स बैंक के पास थे, न्यूज चेकबुक वगैरह, उसका क्या कंट्रोल प्रोसेस है उसका। सन्ड्रीज एंड सस्पेंस डेबिट आइटम्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। सन्ड्री और सस्पेंस ये सेंसिटिव भी है, फ्रॉड पॉन भी है। अगर इवन सीबीएस एनवायरमेंट में आपको कोई फ्रॉड करना है तो सन्डे डिपॉजिट और सस्पेंस को यूज करके आप फ्रॉड कर सकते हो। आपको किसी नॉर्म्स को डिविएट करना है तो आप डिविएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आरबीआई का नॉर्म्स है कि एनआरई अकाउंट में कैश डिपॉजिट नहीं हो सकता। सिस्टम ने चेक लगा रखा है एनआरई अकाउंट में कैश डिपॉजिट नहीं हो सकता। ब्रांच वाला क्या करता है, एनआरई अकाउंट का कैश लेता है, पहले उसको संडे डिपॉजिट में डाल देता है और फिर संडे डिपॉजिट से ट्रांसफर की एंट्री एनआरआई में मार देता है। तो उसने एक जो लॉ था और एक जो प्रोसेस बना हुआ था उसको भी वायलेट कर लिया संडे डिपॉजिट से, क्योंकि संडे डिपॉजिट यही अनआइडेंटिफाइड डिपॉजिट को आपको वहां डालना है, बाद में उसको रेक्टिफाई करना है। तो उसने एनआरआई अकाउंट में कैश आया, पहले वहां ले लिया और फिर बाद में उसको रेक्टिफाई कर दिया। तो संडे डिपॉजिट और सस्पेंस अकाउंट है वो बिल्कुल फ्रॉड पोन एरिया है। और इसके अलावा जैसे संडे डिपॉजिट्स में ओल्ड एंट्रीज होती हैं, अनक्लेम डिपॉजिट्स होती हैं, किसने रॉन्ग नंबर डाल के गलत अकाउंट नंबर प्रॉपर नहीं था डाल दिया, कोई क्लेमेंट आता है 2 साल बाद कि मैंने डाला था, तो ड्यू प्रोसेस से पैसा निकला है या नहीं निकला है। तो इसमें हमको देखना है कि ओल्ड एंट्रीज कितनी है, 6 मंथ से ओल्ड एंट्रीज का डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज का आउटस्टैंडिंग कितना है, उसकी समरी एलएफआर में दी जाती है। जो डेबिट एंट्रीज हैं उनको देखना है, अगर आपको लगता है उस एंट्रीज के अगेंस्ट में कोई प्रोविजन बनना चाहिए तो वो प्रोविजन बनाया गया। कई बार सस्पेंस में इस तरीके की एंट्री मिलती है, सन्डे एडवांस इस तरीके की एंट्री मिलती है कि 2 साल पहले कारपेंटर को एडवांस दिया था ब्रांच की कुछ चीजें ठीक करवाने के लिए, उसका बिल आ गया नहीं आया, वो एडवांस में रखा, वो एडजस्टमेंट नहीं हुआ, या कोई एसेट करने के लिए एडवांस दिया था, या कोई लीगल फीस। इवन आपको जो ये सस्पेंस की एंट्रीज हैं वो आपको हेल्प करेगी, उसको आप देख के पता लगा सकते हो कि जो लीगल है कि एडवोकेट्स को कितने पैसे एडवांस दिए हुए हैं, यानी कि डेफिनेटली एडवोकेट को पैसा दिया तो कोई ना कोई केस डिस्प्यूटेड मैटर चल रहा है जिसका कंटिन्यूटी लायबिलिटी पे इंपैक्ट हो सकता है। तो ओल्ड 6 महीने से पुरानी और 3 साल से पुरानी ओल्ड एंट्रीज की एजिंग जाएगी और उनमें से किसी पे हमको प्रोविजन रिकमेंड करना है तो वो करेंगे संडे डिपोजिट सस्पेंस आइटम्स में। लायबिलिटी साइड में डिपॉजिट्स हम बात कर रहे हैं केवाईसी गाइडलाइंस की कि डिपॉजिट्स के लिए केवाईसी गाइडलाइंस फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। हेड ऑफिस की गाइडलाइंस जो इनऑपरेटिव और डॉर्मेंट अकाउंट्स हैं उसमें ऑपरेशंस के लिए हेड ऑफिस की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे पहले डिस्कस किया था इनऑपरेटिव अकाउंट्स है वो बिल्कुल फ्रॉड पोन है, तो वहां पे जो ऑपरेशंस अलाउ किए हैं वो विद ड्यू प्रोसेस हुए नहीं हुए हैं। Unusual large movement in deposit accounts at the year end, बिल्कुल हमको ये देखना है कि जिसको विंडो ड्रेसिंग एक तरीके से बोलते हैं, इस पे क्वेश्चन भी है, डू यू ऑब्जर्व एनी विंडो ड्रेसिंग इन द बैंक फिगर्स। ये पता चला कि 27 मार्च को एक अच्छी खासी डिपॉजिट आई, 2 अप्रैल को वो निकल गई, 30 मार्च को, मतलब सिर्फ टू इम्प्रूव द साइज ऑफ द बैलेंस शीट, टू इम्प्रूव द साइज ऑफ द ब्रांच फिगर्स, कोई विंडो ड्रेसिंग के ट्रांजेक्शन तो है नहीं है। LFR में एक कॉलम है ओवरड्यू टर्म डिपॉजिट को मॉनिटर को मेंशन करने का, तो हमको ये देखना है कि ओवरड्यू डिपॉजिट और मैच्योर डिपॉजिट्स कितनी है। नॉर्मली तो आजकल बैंक्स वाले सब ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन लेने लग गए जब एफडी क्रिएट करते हैं तभी, तो ये चीजें कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ ओवरड्यू डिपॉजिट बच जाती हैं तो उसकी देखना है। अब हमको ओवरड्यू डिपॉजिट पे जैसे आपको एलएफआर में पता चलता है कि ओवरड्यू डिपॉजिट्स की फिगर्स आई हैं तो हमको ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि इसकी ओवरड्यू डिपॉजिट पे इंटरेस्ट की अकाउंटिंग हुई है नहीं हुई है। तो हर बैंक की अपनी अपनी गाइडलाइंस है, कोई ओवरड्यू डिपॉजिट पे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट देते हैं, कोई ओवरड्यू डिपॉजिट पे एफडी की रेट का जितना टेन हो रहेगा उतने का इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरड्यू डिपॉजिट पे इंटरेस्ट का प्रोविजन हुआ नहीं हुआ है। एक एलएफआर में क्वेश्चन है अदर लायबिलिटीज, बिल्स पेबल, संडे डिपॉजिट्स एक्सेट्रा पे, तो जितने भी बिल्स पेबल हैं, स्पेशली बिल्स पेबल आएंगे जो कि हम जिनको बोलते हैं 31 मार्च को जो पेंडिंग है या और कोई जो बिल्स आएगा, ये बिल्स पेबल वो वाले नहीं है डिस्काउंट वाले जो बोरोवर के साथ हैं, ये हैं ब्रांच के बिल। जैसे सपोज करो किसी ने कंसल्टेंट ने कोई फीस का बिल दिया, उसकी लायबिलिटी करी, वो बिल्स पेबल में खड़ा हुआ है, या और कोई बैंक ने रेंट की लायबिलिटी प्रोवाइड करी, बैंक ने अपना टीडीएस की लायबिलिटी प्रोवाइड करी, वो सब अदर लायबिलिटीज में बिल्स पेबल में के हेड में बैंक डाल के रखता है। तो हमको उसकी एज वाइज लिस्ट लेनी है। जो अनयूजुअल आइटम्स हैं इन अकाउंट्स में उनको हमको देखना है। और लॉन्ग आउटस्टैंडिंग एंट्रीज हैं उसका डिस्पोजल का हमारा कोई सजेशन है तो वो हमें उसके अंदर लिखना है। अब एक कॉलम आता है कंटिंजेंट लायबिलिटी का। तो बहुत बार देखने में आता है कि इस कंटिंजेंट लायबिलिटी की फिगर में जो बैलेंस शीट के अंदर कंटिंजेंट लायबिलिटी की लास्ट में फिगर आती है जिसको हम कंस्टिट्यूट लायबिलिटी बोलते हैं, जो कि बैंक डिस्क्लोज करता है, जो मे बी अराइज ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक गारंटीज और लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यूड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स, उसके बेसिस। तो वो फिगर यहां नहीं डालनी है, हमको ये देखना है कि केस फाइल्ड अगेंस्ट द ब्रांच अदर देन नॉर्मल कॉज ऑफ बैंकिंग बिजनेस की उससे भाई किसी ने लैंडलॉर्ड ने सपोज को किराया बढ़ाने का केस फाइल कर दिया या किसी कस्टमर ने कोई कंज्यूमर फोरम का केस फाइल कर रखा है अगर हमारी कस्टमर सर्विसेज ठीक नहीं थी तो, या इस तरीके के, या किसी स्टाफ ने इंक्रीमेंट के लिए केस फाइल कर रखा है या किसी को आपने सर्विस से हटा दिया बैंक में तो केस, तो उस तरीके के जो सूट फाइल केसेस हैं जो कि बैंक के लैंडिंग और बोरिंग के बिजनेस के अलावा के चीजें के लिए किए गए हैं उनकी क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी है वो हमको देखना है और उसको रिपोर्ट करना है। आप ध्यान रखिए कि इस कंटिंजेंट लायबिलिटी की रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है क्योंकि इस कंटिंजेंट लायबिलिटी का रिस्क वेट है और ये बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को इम्पैक्ट करता है। अगर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी का फिगर है तो बैंक को इसको रिस्क वेट असेस करना है और इसके लिए प्रोविजन बनाना है फॉर द पर्पज ऑफ नॉट द फाइनेंशियल प्रोविजन, कैपिटल एडिक्वेसी में उसका इम्पैक्ट देना होता है। तो कैपिटल एडिक्वेसी एक बेंचमार्क है बैंक के सर्वाइवल का, सर्वेलेंस का। कैपिटल अगर नहीं है, आजकल जब से ये बैंक्स का आया तो आपने सुना होगा कि बैंक को कैपिटल चाहिए, बैंक को ग्रोथ कैपिटल चाहिए। ग्रोथ कैपिटल क्या होती है कि आपके पास ज्यादा कैपिटल होगा तो आप ग्रोथ कर पाओगे। तो कैपिटल एडिक्वेसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी से कैपिटल एडिक्वेसी इंपैक्ट होती है और हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलता है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी का प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज को हमको वेरीफाई करना है और उसको डिस्क्लोज करना है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कमेंट मांगा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो हमारा कमेंट है हमको देखना है कि तो इंटरेस्ट और कमीशन इनकम को हमको टेस्ट चेक पे वेरीफाई करना है और फिर कमेंट करना है कि हमको प्रॉपर्ली अप्लाई हुआ है, कोई दिक्कत नहीं मिली उसमें। एग्जामिन द सिस्टम ऑफ चार्जिंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट एडवांसेस फ्रॉम द टाइम टू टाइम एज पर द हेड ऑफिस सर्कुलर, कि बैंक ने इंटरेस्ट को टाइम टू टाइम चार्ज किया है नहीं किया है। वैसे अब जब से सीबीएस हो गया है सीधा का सीधा मास्टर चेंज हेड ऑफिस लेवल पे हो जाता है तो ब्रांच के ऊपर कम जिम्मेदारी आती है, लेकिन फिर भी आपको ये देखना है कि बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स कब कब रिसेट्स करी थी, कब कब चालू करी थी और सैंपल बेसिस पे 5 अकाउंट 10 अकाउंट चाहे वो डिपॉजिट के अकाउंट हो चाहे एडवांसेस के अकाउंट हो, आप उनका प्रिंट लेके चेक कर लें कि अगर बैंक ने एफडी की जो करंट अकाउंट है सेविंग अकाउंट पे या और जो लोन अकाउंट्स पे इंटरेस्ट का जो रिसेट किया है वो प्रॉपर इफेक्टिव कर दिया है नहीं किया। अगर 13 मार्च से एमसीएलआर चेंज हुई तो 13 मार्च से इफेक्टिव आया ना, ऐसा तो नहीं वो 17 मार्च से इफेक्टिव आ गया। एग्जामिन द इम्प्लीमेंटेशन इनकम रिकग्निशन नॉर्म्स विद रेस्पेक्ट टू द इनकम फ्रॉम एनपीए अकाउंट्स। तो एनपीए अकाउंट्स में जो इनकम, एक तो रिवर्सल हमको देखना है कि रिवर्सल हो गया और बाद में जो रिकवरी आती है वो जो उसकी हर बैंक की जो अपनी एप्रोप्रिएट रिकवरी पॉलिसी है उस रिकवरी पॉलिसी को देखकर ये डिसाइड करना है कि एनपी अकाउंट पे इनकम प्रॉपर्ली चार्ज हुई है नहीं हुई है, जहां होनी चाहिए थी वही हुई है, दूसरी तो नहीं हुई है। एक जो सबसे बड़ा तरीका है जो हम लोग बहुत यूज करते हैं कि चारों क्वार्टर का और 2 साल का ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर का। एक तो उससे पता चल जाता है कि कहीं कोई लायबिलिटी छूटी तो नहीं है या क्या मूवमेंट हुआ है। आप निकाल लें कि चारों क्वार्टर पे उसका जो, और इसमें है ना आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी फिगर्स बैंक ब्रांच हेड अपनी किसी न किसी रिटर्न में किसी न किसी एमआईएस में अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को भेजता है। किसी बैंक में उसको की पैरामीटर्स वाला बोल देते हैं, किसी में बिजनेस रिपोर्ट बोलते हैं, किसी हर बैंक में नोमेनक्लेचर अलग हो सकता है इन इंफॉर्मेशन का, लेकिन ये आपको नहीं कैलकुलेट करना है, ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन उसने अपने ऑफिस में भेजी हुई है, आपको तो सिर्फ उसकी रिपोर्ट्स को लेके कंपाइल करके ट्रेंड एनालिसिस करना है, अपनी ऑडिट टेक्निक्स को अप्लाई करना है कि इंटरेस्ट, अगर एवरेज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ब्रांच पे 6.5% आ रहा था इस क्वार्टर में 7-7.5% हो गया, तो भाई रेट तो चेंज नहीं कैसे हो गया, तो कहीं कोई गलती तो नहीं, ज्यादा तो प्रोवाइड नहीं कर दिया बैंक ने, तो ये ट्रेंड एनालिसिस रिपोर्टिंग भी आ जाएगी और हमें पता भी चल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया बुक्स एंड रिकॉर्ड्स पे, ये बिल्कुल रिडंडेंट हो चुका है आज के सीबीएस एनवायरनमेंट में, बट क्वेश्चन एग्जिस्ट है तो हमको रिप्लाई देना है। वो पूछते हैं बुक्स कंप्यूटर में मेंटेन है मैनुअल मेंटेन है, तो अब तो सारी की सारी बुक्स कंप्यूटर में मेंटेन है। कि वो क्वेश्चन है कंप्यूटराइजेशन का एडुकेसी कितनी है, तो अब तो 100% कंप्यूटर की वो हो चुकी है हमारी, की पूरा का पूरा डाटा ही कंप्यूटर पे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमको देखने, एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू लॉगिन्स, चेंज ऑफ पासवर्ड्स, एक्सेस रेस्ट्रिक्शंस, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट्स। आपको कहीं कुछ लगता है तो उस पे आपको कर देना है। मास्टर डाटा का क्रिएशन और मॉडिफिकेशन का प्रोसेस क्या है उस पे आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि बैकअप्स का, तो लेकिन अब बैकअप्स का क्वेश्चन भी रिडंडेंट है क्योंकि सीबीएस है, तो बैकअप सारे के सारे हेड ऑफिस लेवल पे लिए जाते हैं, डाटा जो डिपार्टमेंट है बैंक का डाटा सेंटर है वो लेता है। तो बुक्स एंड रिकॉर्ड्स पे आपका जो कमेंट्स आएंगे वो बिल्कुल इस तरीके के आएंगे कि हाँ कि कुछ बनेंगे नहीं। सिमिलरली रिकंसिलिएशन और कंट्रोल एंड सब्सिडी रिपोर्ट्स, ये तब एप्लीकेबल होते थे जब बैंक्स फुल्ली कंप्यूटराइज नहीं थे। फुल्ली 100% कंप्यूटराइजेशन होने के बाद में इसकी भी एक वो चीज हुई, लेकिन फिर भी आपको एक लिस्ट ले लेनी चाहिए कि कहीं कोई अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज तो नहीं है कोई। सिमिलरली इंटरबैंक अकाउंट्स, सेम कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट आ गया है, सारी चीजें सीबीएस पे हैं, तो इंटरब्रांच के कोई हेड बचेंगे नहीं। हर बैंक्स का ये भी है कि नॉर्मली इंटरब्रांच अकाउंट्स नील हो जाने चाहिए, जीरो हो जाने चाहिए। फिर भी कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट के बाद में भी इंटरब्रांच अकाउंट्स में आपको एंट्रीज मिल सकती है अगर दूसरी ब्रांच ने उसको रेस्पॉन्ड करने में टाइम लगा लिया। तो हमको ये देखना है कि स्पेशली इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टाफ अकाउंट्स, कि स्टाफ का अकाउंट ट्रांसफर हुआ है तो वो इंटरब्रांच में, या कई बार क्या होता है स्टाफ की सैलरी तो बनती है एक्स ब्रांच से, उसका ट्रांसफर हो गया वाई ब्रांच में, तो वो एक्स ब्रांच के पेंडल में नहीं जाएगी, वाई ब्रांच के पेंडल में जाएगी, तो एक्स ब्रांच उसको पे करके इंटर ब्रांच में डाल देता है। तो हमको ये देखना है कि इंटर ब्रांच में आउटस्टैंडिंग एंट्रीज कितनी है और उस आउटस्टैंडिंग एंट्रीज का कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग इम्पैक्ट आएगा क्या, कि एक ब्रांच ने तो पेमेंट कर दिया, दूसरी ब्रांच अगर वो ओपन रखा हुआ आइटम इंटर ब्रांच में, इसका मतलब दूसरी ब्रांच ने रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो दूसरी ब्रांच ने उसकी एक्सपेंडिचर की एंट्री बुक नहीं करी, अदरवाइज वो इंटर ब्रांच को क्रेडिट करता, अपना एक्सपेंडिचर को डेबिट कर देता। तो इंटर ब्रांच की जो एंट्रीज है, ज्यादा अकाउंट नहीं है, 2 या 3 हेड बचे हैं अब इंटर ब्रांच के। एक जमाना था जब इंटर ब्रांच के 25-25 हेड हुआ करते थे, ड्राफ्ट के लिए इंटर ब्रांच अकाउंट अलग, पे ऑर्डर्स का अलग, कई चीजों के। अब तो मुश्किल से 2 हेड है 3 हेड है, और इसके अलावा जो डेजिग्नेटेड फोकल ब्रांचेज हैं 3-4 ब्रांचेज होंगी जो कि गवर्नमेंट बिजनेस के लिए ऑथोराइज हैं। गवर्नमेंट बिजनेस भी अब क्या कि जब से सारा का सारा ऑनलाइन जमा होने लगा है, तो बैंक ने डेजिग्नेटेड ब्रांच भी सबकी एक ही आती है। आप HDFC बैंक में चालान जमा कराओ या PNB में चालान जमा कराओ, तो उसकी एक ही ब्रांच का BSR कोड आता है जहां से वो पूरे ऑल इंडिया को डील कर रहा है। तो वो चीजें अब बिल्कुल कम हो गई है, लेकिन क्वेश्चन है हमको रिप्लाई। एक क्वेश्चन है ऑडिटर इंस्पेक्शन पे, तो वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि बैंक में जो ऑडिट्स और इंस्पेक्शन हुए हैं लास्ट ईयर में, क्या उनकी रिपोर्ट्स को आपने कंसीडर कर लिया व्हाइल फ्रेमिंग योर ओपिनियन, और बैंक ने उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो आपको ये देखना है कि जो पुराने जो प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट्स है, कॉन्करेंट ऑडिट की हो, इंटरनल ऑडिट की हो, आरबीआई इंस्पेक्शंस की हो, या लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट हो, उनपे जो क्वेरीज थी उनका डिस्पोजल हो गया क्या, उनकी ऑनगोइंग क्वेरीज क्या है, तो सुटेबली आपको उसका रिप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LFR के अंदर फ्रॉड्स पे, तो आपको ये पता होना चाहिए आरबीआई का फ्रॉड पे मास्टर सर्कुलर है और उन्होंने फ्रॉड मॉनिटरिंग रिपोर्ट जिसको बोलते हैं एफएमआर का टाइमलाइन तय कर रखी है और हर ब्रांच, हर कंट्रोलिंग ऑफिस, रीजनल ऑफिस, जनरल ऑफिस और हेड ऑफिस उस एफएमआर की गाइडलाइंस को फॉलो करता है और अकॉर्डिंगली फ्रॉड्स को आरबीआई को रिपोर्ट करता है और प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होता है। आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि इसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। आप पूछोगे कोई फ्रॉड हुआ था क्या, वो बोल देगा हुआ या नहीं हुआ। अब तो बोले तेरा फ्रॉड रजिस्टर ला दे जो, और जो तेरी एफएमआर तूने क्यों भेजी है उसका इंडेक्स कर ला दे। अगर कोई फ्रॉड रिपोर्ट हुआ होगा तो उसमें डेफिनेटली उसकी एंट्री हुई होगी। केवल ब्रांच मैनेजर के या किसी ब्रांच के ऑफिसर के कहने पे कि ये है या नहीं है, आप उसको क्लोज नहीं करें। आप रजिस्टर देखें जो फ्रॉड रजिस्टर ब्रांच ने मेंटेन किया हुआ है उसको देखें, कोई एफएमआर उसने रेज करी क्या उसको देखें और उसके हिसाब से एलएफआर में आप दें। ये तो हो गया रिपोर्टेड फ्रॉड्स की बात। दूसरा, आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई ट्रांजैक्शन ऐसा लगता है जो कि फ्रॉडुलेंट नेचर का आपको नजर आ रहा हो और उसको फ्रॉड आपके द्वारा डिक्लेयर किया जाना है, तो मेरी इसमें राय रहेगी कि क्योंकि फ्रॉड रिक्वायर्ड एनी ट्रांजैक्शंस विच रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एज ए फ्रॉड नीड्स सर्टेन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, वेरिफिकेशन और चेकिंग। And we, the statutory auditors, are not in a position to do the detailed investigations. So please, ज्यादा over enthusiasm मत लीजिए fraud करने के लिए। Better है हम red flag raise करें, red flags, क्योंकि अगर आपने fraud declare कर लिया तो आपकी responsibility directly it is reported to directly RBI। तो अगर बाकायदा आप fully convinced हैं, आपके पास कॉर्रोबोरेटिव एविडेंस है कि ये फ्रॉड है, तो आप उसको फ्रॉड डिक्लेयर कीजिए, आरबीआई को रिपोर्ट कीजिए, बैंक के एमडी को रिपोर्ट कीजिए। अदरवाइज आप रेड फ्लैग डेफिनेटली रेज करें और रेड फ्लैग रेज करके अपने जो आपके जो अप्रीहेंशंस हैं उसको उस मेल में, उस कॉरस्पोंडेंस में नोट करें और बैंक को बोलें कि आप इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमसे कम्युनिकेट करें और सेंट्रल ऑडिटर को इसका देवें। इसके अलावा एलएफआर में क्वेश्चन है कि आपने जो ब्रांच की जो वर्किंग देखी उसके हिसाब से जस्ट टू ओवरकम द फ्रॉड और फ्रॉड की पॉसिबिलिटी को, ऑकरेंस ऑफ फ्रॉड को कैसे रोका जाए, तो आपके कोई सजेशन हो तो आप उसमें एलएफआर में दे सकते हैं। उसके बाद में मिसलेनियस वाला चैप्टर है, उसमें पूछता है एग्जामिन प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट रजिस्टर्स रिकॉर्ड्स एंड कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन। उसके बारे में क्वेश्चन है, तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन फिनाकल में एफए मॉड्यूल है, दूसरे सिस्टम में एफए मॉड्यूल है, आप एफए मॉड्यूल्स को ले लीजिए, उससे आपकी डेप्रिसिएशन की चेकिंग भी हो जाएगी और एलएफआर के क्वेश्चन का रिप्लाई हो जाएगा। विंडो ड्रेसिंग जैसे अपन पहले डिस्कस कर रहे थे, आरबीआई स्पेसिफिकली पूछती है कि कोई विंडो ड्रेसिंग है क्या, तो आपको विंडो ड्रेसिंग की पॉसिबिलिटी आपको एग्जामिन आपको पता चलेगी जब आप कंपेरिजन करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर फिगर्स का, ईयर ऑन ईयर फिगर्स का, ब्रॉड कैटेगरी के डिपोजिट कितनी बड़ी, करंट डिपोजिट कितनी थी, सेविंग डिपोजिट कितनी थी, एडवांसेस कितने थे, और उसमें अगर आपको डिवीजन लगता है तो आप देखें कि ये डिवीजन विंडो ड्रेसिंग की वजह से तो नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एलएफआर में क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एनी अदर मैटर टू बी ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट और सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। मैंने इतनी सारी सेमिनार्स की है, इवन एज ए सेंट्रल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर से इंटरेक्ट किया है। वो जो मीटिंग होती है उस मीटिंग में हर ब्रांच ऑडिटर्स की 20 तरीके की समस्याएं आती हैं। हर आदमी बोलता है कि सर ब्रांच में ये नहीं मिला था, मैं लास्ट ईयर गया तो ये चीज नहीं थी, वो चीज नहीं थी। जब हम उसको बोलते हैं कि एलएफआर के अंदर एक क्लॉज है, आप उसमें इस तरीके की जो चीजें हैं जो कि आप आज बोल रहे हो, बेटर है कि आपको जो ऑब्जर्व हुआ उसको एक सुटेबल वर्ड्स में वहां पे आप कम्युनिकेट करोगे, आप पक्का मानिए कि उन चीजों पे कंट्रोल लगेगा। हर बैंक की ऑडिट कमेटी विच इज नाउ बीइंग हेडेड बाय द वेल क्वालिफाइड पर्संस, हर आदमी को पता है, ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को पता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्योंकि सारे बैंक लिस्टेड हैं सेबी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से, आरबीआई के एक्ट के हिसाब से उसकी, और वो लोग इन चीजों पे एक्शंस लेते हैं, बैंक को डायरेक्शंस देते हैं, मैनेजमेंट को डायरेक्शंस देते हैं, ऑडिट कमेटी चेयरमैन की ये चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चीजें, मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। सिस्टम रिलेटेड इश्यूज आपको जो भी नजर आते हैं, आपको लगता है कि ब्रांच में सिस्टम्स की दिक्कतें या कई बार आपको लगता है कि रिपोर्ट जनरेट नहीं हो रही, टाइम से नहीं हो रही, तो आप लिख दें कि हमने क्या, हमारे जो भी लॉगिन आईडी प्रोसेस था उससे रिपोर्ट जनरेट ही नहीं हुई। स्टैच्यूटरी पेमेंट से रिलेटेड कोई चीजें, क्योंकि टीडीएस लेट जमा हो रहा है तो या तो आपने टैक्स ऑडिट में कुछ लिख दिया तो लिख दिया, पर आपको जब तो हम या और तरीके के स्टैच्यूटरी पेमेंट्स हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स का है, अर्बन टैक्स है, और किसी तरीके के जो गवर्नमेंट की लेवीज हैं, आपको लगता है कि सिस्टम प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा, प्लीज यहाँ पे रिमार्क देवें कि इट इज टू बी देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स इन दीज एरियाज। कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आरबीआई एंड हेड ऑफिस इंस्ट्रक्शन, हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन थे, बैंक फॉलो नहीं कर रही है, ब्रांच फॉलो नहीं कर रही है, तो उस चीज को आप वहां रिपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली अनहैज फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हुआ या और कोई दूसरे ट्रांजेक्शन हुए। एटीएम रिलेटेड इश्यूज, आप ब्रांच में 7 दिन बिताते हैं, 5 दिन बिताते हैं, आपको लगता है कि हर एक घंटे में कस्टमर एटीएम का इश्यू लेके आ जाता है कि एटीएम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, एटीएम में मेरे को दिक्कत हो गई, तो ब्रांच के बाहर जो एटीएम है वो इश्यू लेके आ जाता है, या ब्रांच में और जो मशीन्स बैंक ने लगी है उनके लेकर, तो आप यहाँ कमेंट करें कि आपने ये ऑब्जर्व किया। कैपिटलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मैटर, इस पे हर मीटिंग में ऑडिटर्स बोलते हैं कि बैंक नहीं तो जिस दिन इन्वेस्ट आया था उस दिन कैपिटलाइज किया, कैपिटलाइज एसेट यूज में कब आने लग गई थी, डेट पुट यूज क्या ली है, तो प्लीज इन इश्यूज को आप यहाँ पे, ये प्रॉपर स्पेस है यहाँ पे आप, तो ये चीजें ऐसी है जो कि ना तो क्वालिफिकेशन है, ना इनसे कोई यूएम बनता है, ना कोई ट्रेंड फेयर भी इम्पेयर हो रहा है, तो इन चीजों को आप, लेकिन ये कंट्रोल प्रोस्पेक्टिव से बहुत जरूरी है, तो आप उनको यहाँ करें। जैसे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है, पता चला कि गेट्स पे चेन ही नहीं लगी हुई, पता चला कि गार्ड नहीं है, गार्ड है तो उसके पास गन नहीं है, गन है तो लाइसेंस नहीं है या रिन्यूअल नहीं हुआ, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम यहाँ कर सकते हैं। या कोई कस्टमर सर्विस से रिलेटेड चीजें हैं, मूवमेंट ऑफ एन अकाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, आप ये देखिए कि अगर अकाउंट ट्रांसफर हो रहे हैं, अकाउंट मूवमेंट हो रहे हैं, तो उसके बारे में अगर फ्रिक्वेंटली मूवमेंट होता है अकाउंट्स का, तो या तो अगर आप जिस ब्रांच की ऑडिट कर रहे हैं और वहां पे दूसरी ब्रांच, दूसरे बैंकों से अकाउंट्स आ रहे हैं, तो हमको ये देखना चाहिए कि वो कस्टमर यहाँ शिफ्ट हुआ है तो किस वजह से शिफ्ट हुआ है, बेटर सर्विसेज थी या वहां उसका अकाउंट तकलीफ में था, उस ब्रांच हेड, उस बैंक ने बोला कि भैया तू दूसरे बैंक में चले जा, वो हमारे यहाँ आ गया, पता चला साल भर बाद हमारे को तकलीफ देगा। तो अगर फ्रिक्वेंटली मूवमेंट हो रहे हैं तो वो आपको यहाँ रिपोर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एक एरिया, आपको जितनी भी जो चीजें, जो दिक्कतें, जो कि बार बार आप बैंक मैनेजमेंट को बोलना चाहते हो, बेटर आप सुटेबली यहाँ पे लिख दो, एक्शन हो जाएगा। अब अनेक्जर टू एलएफआर, एलएफआर क्यों अनेक्जर्स हैं? एक तो होती है कि 2 करोड़ से ऊपर की एडवांसेस की डिटेल आनी है, उस एनेक्जर में साफ लिखा हुआ है दिस एनेक्जर टू बी प्रिपेयर्ड बाय द बैंक मैनेजमेंट, तो ब्रांच मैनेजमेंट को एनेक्जर बनाने दो और आपको उसको वेरीफाई करना है। उसमें मेजोरिटी स्टैटिकल इंफॉर्मेशन है, उसमें कंडक्ट के बारे में थोड़ा सा कमेंट है, बाकी सारी की सारी उसमें स्टैटिकल इंफॉर्मेशन है। अजय जी, हाँ अजय जी, हाँ आपको एक बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, सेशन के बाद में कुछ क्वेरीज हैं जो आपको लेनी है, जो मैंने आपको व्हाट्सएप की है, तो उस अकॉर्डिंग आप बस कंक्लूड कर लेना प्लीज। बस सेशन लगभग ऑलमोस्ट अपन उसमें है, एलएफआर तो कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे सर्टिफिकेट्स लेना, मुझे एक बार वापस स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। सर मैं आपको राइट दे रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। एक बार आप कर लीजिए सर, आप गिवन द राइट। अब हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर्टिफिकेट्स में। सर F5 प्रेस, F5 प्रेस कर दो। मैं फुल स्क्रीन पे आ रहा हूं, फुल स्क्रीन पे। थैंक यू। तो सर्टिफिकेट्स में की पॉइंट्स हैं, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट्स को लेके बहुत कॉशियस है कि जो हमारे मेंबर्स सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, कोई उसका मिसयूज नहीं करे, इसलिए यूडीआईएन भी आ गया। जो गाइडेंस नोट ऑन रिपोर्ट ऑन सर्टिफिकेट फॉर स्पेशल पर्पस जो 2016 में इश्यूड हुआ था डब्ल्यूएसबी के टाइम पे, फॉर्चुनेटली मेरे को सौभाग्य मिला, मैं उस वक्त डब्ल्यूएसबी में था भी, तो उसको देखने का एक एक चीज को उसमें बताया गया है कि हमारी सर्टिफिकेशन जो हम जो ट्रू एंड करेक्ट दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट्स को कैसे इश्यू करना है। प्लीज आप उसको अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लें उस गाइडलाइंस को, और बैंक के सर्टिफिकेट नहीं, कोई से भी सर्टिफिकेट्स हो उसको इश्यू करने के लिए आप इसको जरूर देखें। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप ये देखें कि जो सर्टिफिकेट्स हैं सेंट्रल ऑडिटर्स उन सर्टिफिकेट्स को एज इट इज कंपाइल कर देते हैं। सेंट्रल ऑडिटर्स उन सर्टिफिकेट्स को एज इट इज कंपाइल कर देते हैं, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी ट्रू एंड फेयर व्यूनेस को, उनकी करेक्टनेस को, क्योंकि उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे बैंक्स को फाइनेंशियल्स फायदे हो रहे हैं, मतलब उनको रिएम्बर्समेंट मिल रहे हैं, सबवेंशन मिल रहे हैं, वेवर्स मिल रहे हैं। तो हम उस सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस हमको समझनी चाहिए। अब जो सर्टिफिकेट्स हैं उसमें अपन सिंपल से रिकवरी विद द डीआईसीसी इन क्लेम पेड अकाउंट्स, डीआईसीसी सारे बैंक डीआईसीसी स्कीम से ऑप्ट आउट कर चुके हैं। जो पुराने क्लेम्स थे, अगर मतलब सर्टिफिकेट हमको देना है कि अगर किसी अकाउंट में डीआईसीजीसी का क्लेम आया है, मतलब किसी अकाउंट में रिकवरी आई है, बैड डेट्स में रिकवरी हुई है पुराने अकाउंट में, और उस अकाउंट में हमने पहले से डीआईसीसी से क्लेम ले लिया था, तो वो जो रिकवरी आई है उस क्लेम के प्रोपोर्शनेट में हमको डीआईसीसी को वापस देनी है, तो ये उस तरीके का सर्टिफिकेट है। एक एसएलआर वेरिफिकेशन का है जिसमें 12 डिफरेंट डेट्स पे कैश ऑन बैंक बैलेंस को सर्टिफाई कराया जाता है। सिंपल सर्टिफिकेट है। लेंडिंग टू सेंसिटिव सेक्टर, जो आरबीआई ने सेंसिटिव सेक्टर्स की सीलिंग दी हुई है, तो आप उसका केवल आपको फिगर देना है, वो सेंसिटिव सेक्टर का नेम है कि कॉमर्शियल रियल एस्टेट में कितना है, कैपिटल मार्केट का एक्सपोजर इतना है, एजुकेशन लोन इतने, तो जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उस सेंसिटिव सेक्टर्स पे कितने आउटस्टैंडिंग थे उसका सर्टिफिकेट होता है। अब ये दो सर्टिफिकेट है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत कैजुअली हम करते हैं, घोष कमेटी और जिलानी कमेटी। जब हर्षद मेहता के टाइम पे बैंकों में फ्रॉड हुए थे तो ए घोष के नाम और मिस्टर जिलानी की दो कमेटियां थी, इन्होंने इंटरनल कंट्रोल पे और फ्रॉड्स पे अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी, और घोष कमेटी और जिलानी कमेटी की रिकमेंडेशंस कम से कम 50-50 रिकमेंडेशंस हैं। आप देखोगे 3-4 पेज का सर्टिफिकेट होता है। मैं विथ फुल अथॉरिटी कह सकता हूं कि 80% लोगों ने, अपने ऑडिटर्स ने उस सर्टिफिकेट को पूरा पढ़ा भी नहीं होगा, या तो अपने स्टाफ को बोल दिया होगा, वहां पे लिखा हुआ है कि ये क्या है, ब्रांच वाला यस नॉट नॉट एप्लीकेबल कर देता है। हमको देखना है कि उस वो बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, उसमें यस नॉट नॉट एप्लीकेबल होगा, लेकिन वो जो उन्होंने नॉट एप्लीकेबल किया वो वास्तव में एप्लीकेबल है या नहीं है, तो उसको हमको थोड़ा सा देख के इस पर ध्यान देना है घोषणा जिलानी कमेटी पे। मूवमेंट ऑफ ग्रॉस एनपीए, ये सर्टिफिकेट हमारा सर्टिफाई किया जाता है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सर्टिफिकेट प्रीएमओसी सर्टिफिकेट आप तो डे 1 पे ले लीजिए। इस सर्टिफिकेट से आपको ब्रांच का पूरा आइडिया लग जाएगा। इसमें होता है कि ओपनिंग एनपीए कितना था, नया एनपीए कितना हुआ, राइट ऑफ कितने किए, रिकवरी से अपग्रेड कितने हुए, और नेट क्लोजिंग एनपीए कितना बचा। तो ये पूरा मूवमेंट का सर्टिफिकेट हमसे सर्टिफाई करा के लिया जाता है, क्योंकि नोट्स ऑन अकाउंट्स में जाता है। अगर ये सर्टिफिकेट आपने डे 1 पे ले लिया तो आपको पूरे ब्रांच का मिल जाएगा कि ब्रांच में नए एनपीए कितने बने थे, रिकवरी कितनी आई थी, कंप्रोमाइज सेटलमेंट कितने हुए थे। तो ये फिगर्स आपको फाइनेंशियल से वेरीफाई करनी है। फिर एक सर्टिफिकेट है इन रेस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ एडवांसेस। एडवांसेस का रिस्ट्रिक्शन का सर्टिफिकेट जाता है, ये भी नोट्स ऑन अकाउंट्स के लिए सर्टिफिकेट होता है। इसमें स्टैटिकल इंफॉर्मेशंस होती हैं। जो हमने डिस्कस किया था सबवेंशन के सर्टिफिकेट, सबवेंशन के 5-6 सर्टिफिकेट्स हैं। हमको सबवेंशन के सारे सर्टिफिकेट्स में ऑडिट प्रोसीजर्स को, सबवेंशन है एग्रीकल्चर एडवांसेस के खरीफ और रिलीफ के सर्टिफिकेट्स, सबवेंशन है एक्सपोर्ट सब्सिडी का, सबवेंशन है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, सबवेंशन सर्टिफिकेट है हाउसिंग लोन के रिपेमेंट का। जो ये हाउसिंग लोन पे जो अभी जो छोटे लोन से उन पे सब्सिडी का आया है उसका, और अभी एमएसएमई में सबवेंशन का सर्टिफिकेट आ गया। इस साल एक नया सर्टिफिकेट और जुड़ गया। जो एमएसएमई बोरोवर्स हैं उसको आरबीआई ने जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई बोरोवर को सबवेंशन स्कीम दी है। वो सेम ऑडिट प्रोसीजर हमको फॉलो करना है सबवेंशन की स्कीम्स के लिए। एलिजिबल बोरोवर्स की लिस्ट लेनी है, कैलकुलेशन देखनी है, अपर लिमिट है। इंटर सबवेंशंस में कई सर्टिफिकेट्स में 9,000 की अपर लिमिट है कि 3 लाख मिलना है और 3% मिलना है, तो वो बनेगा ही 9,000 रुपए। उससे ज्यादा उसका उस बोरोवर का क्लेम ही नहीं बन सकता। तो हमको कई बार देखने में आया कि वो उससे ज्यादा, उस लिमिट से ज्यादा भी क्लेम कर रहे हैं। तो दूसरा आप ये पूछ लीजिए कि लास्ट ईयर के जो सर्टिफिकेट्स थे और जो क्लेम्स किए थे उसमें कहीं कोई एरर्स आई हैं क्या, कोई सर्टिफिकेट रिवाइज हुए हैं क्या। एक सर्टिफिकेट है एजुकेशन लोन के लिए, एक सर्टिफिकेट है सबवेंशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। क्रेडिट लिंक सब्सिडी का सर्टिफिकेट है, एमएसएमई का सर्टिफिकेट है। तो इस तरीके से ये 20-22 तरीके के सर्टिफिकेट्स देने हैं। सर्टिफिकेट्स के लिए वही थंब रूल है, हमको ट्रू एंड करेक्टनेस को सर्टिफाई करना है, इसलिए हमको सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी है। हमारा उस हिसाब से ब्रांच से इंफॉर्मेशन लेनी है। मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब भी ब्रांच की ऑडिट कंप्लीट करें तो एक फाइनल मीटिंग मैनेजमेंट के साथ जरूर करें, साइनिंग से पहले करें। आपके सारे इश्यूज हैं उनको बता दें, ताकि कोई बाद में ये नहीं बोले कि हमको तो बताया नहीं था, यही नहीं था। कोई भी इश्यू को ओपन नहीं छोड़ें और किसी भी एमओसी को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ें। और फाइनल रिक्वेस्ट सबसे, अपनी ऑडिट फाइल को ब्रांच में ही बैठ के कंप्लीट कर लें, ऑडिट एविडेंसेस को पूरा रखें। यकीन मानिए 2 साल बाद आरबीआई से कोई चिट्ठी आती है, वो ब्रांच वाला आपको एक, पहली बात तो अगर आउट स्टेशन ब्रांच है तो आप वैसे कंपनी हो गए, वहां पे मैनेजर बदल चुका होगा, स्टाफ बदल चुका होगा। आपने जो भी ऑडिट कॉल्स ली है उसका डॉक्यूमेंट आप ब्रांच पे रहकर ही कर लें। पहले अपनी ऑडिट फाइल कंप्लीट करें, उसके बाद में ब्रांच की रिपोर्ट साइन करें, ब्रांच की रिटर्न साइन करें। Thank you very much. Queries are welcome. एक क्वेरी आई है, हाउ वी कैन इश्यू इंटरेस्ट सबवेंशन सर्टिफिकेट विद डिस्क्लेमर अबाउट नोट वेरिफिकेशन, इज इट पॉसिबल। बिल्कुल, अपना जो गाइडेंस नोट है उसमें बिल्कुल बोला हुआ है कि अगर कोई सर्टिफिकेट में स्टैच्यूटरी फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट देना है तो आप उसके ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन लगा के आप उसको दे सकते हैं सर्टिफिकेट को। फिर मैं इसको दूसरी अदर वे राउंड में लेता हूं। अगर आपने सपोज करो सर्टिफिकेट में जो सबवेंशन का अमाउंट है उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो आप, तो डेफिनेटली उसकी एंट्री बैलेंस शीट में हुई है, वो मेरे P&L में इम्पैक्ट कर रहा है। तो ऐसा आइटम जिसका सर्टिफिकेट भी है लेकिन उसका अकाउंटिंग इंपैक्ट भी आ रहा है मेरा, तो बेटर है आप उसका क्वालिफिकेशन डाल दीजिए ऑडिट रिपोर्ट में। तो आपके दोनों पर्पस सर्व हो गए भाई। आपने जब कैलकुलेशन, सपोज करो सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं कि 1 करोड़ का इंटरेस्ट सबवेंशन है, उसकी एंट्री अकाउंट्स में आई चुकी है, तो जब आप सर्टिफिकेट में देने में कंफर्टेबल नहीं है तो वहां पे भी उसका सर्टिफिकेशन में कैसे कंफर्टेबल होंगे। तो सर्टिफिकेट में लिख दीजिए, साथ के साथ आप उसको ऑडिट रिपोर्ट में अपनी क्वालिफिकेशन का पॉइंट बना दीजिए। तो अपने आप जैसे ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन आएगी वो प्रॉपर्ली टेक केयर की जाएगी। सम केसीसी, नेक्स्ट क्वेरी है, सम केसीसी नॉट एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन बट हाउ टू रेज इश्यू। जैसा मैंने बोला कि आपको डे वन पे ही एक लेटर दे देना चाहिए ब्रांच को कि प्लीज प्रोवाइड अस द लिस्ट ऑफ एलिजिबल बोरोवर्स अंडर सबवेंशन स्कीम। उस लिस्ट के बियॉन्ड आपको, क्योंकि आप इंटरेस्ट, ये जो सबवेंशन की स्कीम है इसका आरबीआई का सर्कुलर है, आप आरबीआई की वेबसाइट पे डालोगे, ये कीवर्ड्स डालोगे, आपको सर्कुलर उसमें बिल्कुल कैटेगरी लिखा हुआ है कि कौन कौन एलिजिबल है। देखो जैसे ही उसने आपको लिस्ट दी कि ये एलिजिबल कस्टमर्स हैं, तो उसने जो चार नाम छोड़े, आप चार सैंपल तो वहां से ले लीजिए जो उसने छोड़ा है, उसकी एलिजिबिलिटी एज पर डेट सर्कुलर चेक कर लीजिए, और वो जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से आप 4-5 पॉइंट चेक कर लीजिए कि ये हैं। एक है क्योरी, हाउ टू प्रिपेयर एमओसी रिलेटेड टू एनपीए अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर एमओसी इफ एनी रेवेन्यू लीकेज इज देयर एंड ब्रांच इज नॉट रेडी टू रिकवर द सेम, प्लीज एक्सप्लेन विद एग्जांपल। देखिए रेवेन्यू लीकेज की एमओसी है, तो एमओसी बनाना आपका राइट है, एमओसी में उसको डिसेंट देनी है या असेंट देनी है। ब्रांच मैनेजर, आप कन्विंस हैं कि ये अंडर रिकवरी है और उस अंडर रिकवरी को अकाउंट फॉर करना चाहिए था। फॉर एग्जांपल किसी लोन अकाउंट पे कॉमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए था, उन्होंने एक्सपोर्ट का अकाउंट है, उन्होंने मतलब उसपे कॉमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए था, उन्होंने एक्सपोर्ट वाली रेट लगा दी, 3% का डिफरेंस आता है इंटरेस्ट रेट पे, 10 करोड़ का अकाउंट है, 3 लाख रुपए का डिफरेंस हो गया। अगर बोरो ब्रांच मैनेजर इसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन है ना, इंस्टीट्यूट ने मतलब आरबीआई ने एक्ट में परमिट किया कि जो भी चीजें आपको डिविजन लगती है आप क्वालिफाई सब्जेक्ट टू करिए ना, आप सब्जेक्ट टू करिए, सब्जेक्ट टू डेट एंट्री। अब उस एंट्री का मैं बोलता हूं कि अगर आपने एमओसी में कुछ भी नहीं लिखा है उसके बावजूद भी आप क्वालिफिकेशन करते हो तो डेट हैज इक्वल इंपोर्टेंस, क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट टू करके क्वालिफिकेशन कर दिया है किसी चीज की, ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाई कर दिया है कि प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड टू डेट एक्सटेंट या प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड टू डेट एक्सटेंट, तो डेफिनेटली उसका कॉग्निजेंस सेंट्रल ऑडिटर को लेना पड़ेगा। जहां तक एमओसी प्रिपेयर करने की बात है, एमओसी में जहां मैनुअल एमओसी जा रही है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिजिकली डिसेंट नोट दे देगा। जहां पे एमओसी ऑनलाइन जा रही है, क्योंकि आजकल ज्यादातर बैंकों ने एमओसी को भी ऑनलाइन कर दिया है, तो अगर ऑनलाइन एमओसी जा रही है तो रिमार्क्स के कॉलम में आप ब्रांच हेड को बोलिए कि आप अपना डिसेंट लिख दीजिए इसमें, अगर आप हमारी बात से ऑब्जर्वेशन से एग्री नहीं करते हैं तो आप अपनी एमओसी को विद फैक्ट लिख दीजिए कि आप उसको क्यों डाल रहे हैं, और ब्रांच हेड को बोल दीजिए कि आप एग्री नहीं करते हो तो डिसेंट आपके रिमार्क्स में लिख दीजिए और एमओसी को अपलोड कर दीजिए, लेट द सेंट्रल ऑडिटर टेक ए कॉल। एक नेक्स्ट क्वेरी, वेदर वी कैन गेट डाटा फ्रॉम द ब्रांच ऑन ईमेल, मोस्ट ऑफ द मैनेजर से दैट एचओ हैज एडवाइज्ड नॉट टू शेयर डाटा ऑन ईमेल एज इट इज इलीगल, प्लीज थ्रो लाइट ऑन दिस इश्यू विद द सर्व। नहीं देखो, दो तरीके की चीजें हैं, एक है इंफॉर्मेशन, एक है बैंक का डाटा। अगर आप किसी के लेजर स्टेटमेंट मांगोगे वो मना कर सकता है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, अब मैं आपको मेल पे नहीं दूंगा, आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमको बेसिक रिक्वायरमेंट है विच इज अबाउट द नॉलेज ऑफ द ब्रांच, बिजनेस ऑफ द ब्रांच, और आप उसको बोलिए कि भैया हमने हमारे अपॉइंटमेंट के साथ ही फिडिलिटी और सीक्रेसी का डिक्लेरेशन ब्रांच बैंक को दिया है, बैंक ने हमको अपॉइंट किया तो अपॉइंट करते ही उसने हमारे से डिक्लेरेशन ले लिया कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो हम सीक्रेट रखेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आपने दिया है ना, सबने उसका देते ही हम लोग सबसे पहला डिक्लेरेशन ही होता है फिडिलिटी और सीक्रेसी का, तो हम लीगली बाउंड है, हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और कुछ पर्टिकुलर डाटा के अलावा अगर आप अपने रीजनल हेड से, वो अगर वो बोलता है तो आप उसका जो कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर है रीजनल ऑफिस का, आप उससे बात कर लीजिए। मैं नहीं समझता कि कोई रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस का बंदा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये बोलेगा कि डाटा आपको नहीं मिलेगा। अगर वो आपका ब्रांच वाला बोलता है तो आप बोल दीजिए कि आप, और मैं तो बोलता हूं आप जो भी कॉरस्पोंडेंस कर रहे हैं ब्रांच के साथ उसकी सीसी रीजनल हेड को जरूर कीजिए, ऑडिट डिपार्टमेंट को जरूर कीजिए, ताकि अगर कभी ऑडिट में डिले होता है तो आपके पास एक कॉरबोरेटिव एविडेंस रहेगा कि भैया मैंने इतनी इतनी तारीख को इन्फॉर्मेशन मांगी, इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो मैं ऑडिट कैसे कंप्लीट करूं। Question, sir, I have noticed that in online LFR, remarks space is limited by digit limits, and there is no other option to submit your remarks completely. How to handle such situation? अगर कोई limits हैं, तो आपका जो central auditor है, उस branch जिस branch की आप audit कर रहे हैं, जिस bank की आप audit कर रहे हैं, और आपका region जो देख रहा है, जो central auditor है, आप उसको communicate करें कि हम proper नहीं लिख पा रहे हैं, definitely वो स्पेस कंस्टेंट हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो अब हार्ड कॉपी तो साइन करके दे ही रहना, अपना पूरा कमेंट लिखें और जो लिमिटेड स्पेस है आप उसमें लिख दें कि डिटेल्स आर कमेंट्स आर अवेलेबल इन द एडिशनल सीट गिवन टू द ब्रांच। उस एडिशनल सीट को आप सेंट्रल ऑर्डर को भी कॉपी कर दीजिए, ब्रांच को भी साइन करके दे दीजिए कि भैया इस पैरे की एडिशनल कमेंट्स है मेरे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का कंस्टेंट है। कई जगह लिमिट ये हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देखते हैं कि वहां भी स्पेस आ गया, कई जगह रिटर्न फॉर्म में स्पेस आ गया, हम ज्यादा नहीं भर पाते, तो ये दिक्कतें आती है। तो उसका सिंपल सा ऑप्शन है कि आप सेंट्रल ऑडिटर को कम्युनिकेट कर दीजिए और उसमें रिप्लाई में लिख दीजिए कि स्पेस ड्यू टू स्पेस कंस्टेंट एडिशनल सीट इज अटैच, और एडिशनल सीट को ब्रांच को हैंड ओवर कर दीजिए। क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंटर सबवेंशन नॉट avoided responsibility auditor since bankers want to write in report without check. Big issue it is if it is corrected by auditor. Sir, अगर ऐसा नहीं है, अगर उसमें फिगर्स जो आप उसको सर्टिफिकेट को मत दीजिए। अगर आपके हिसाब की आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से सबवेंशन 90 लाख का है और ब्रांच का सर्टिफिकेट 1 करोड़ का है और आप कन्विंस हैं कि 10 लाख का है, तो आप उस सर्टिफिकेट में मत इश्यू करें। आप अपनी ऑब्जर्वेशंस ब्रांच हेड को दे दीजिए कि एच पर दिस ये कैलकुलेशन 90 लाख की आती है, आप सर्टिफिकेट को रिवाइज कीजिए। डेफिनेटली या तो कैलकुलेशन में जो डिफरेंस होगा वो जो भी जिस आदमी ने कैलकुलेट किया है वो या तो वो कन्विंस होगा या उसका जो मैथड से आप कन्विंस होंगे, क्योंकि ये तो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है। और अगर नहीं आता है तो जैसे आपने पहले भी डिस्कस किया था, क्वालिफिकेशन है जो हमें करनी है। अभी ऑनलाइन है या मीटिंग ओवर हो गई? सर कंटिन्यू है सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू एक क्वेरी है, withdrawal and deposit on same day by cash on agriculture advances on long overdue account, can I treat as NPA or PA? ये बहुत डिबेटेबल इश्यू है, लेकिन अगर RBI भी ये बोलता है कि वो सेम डे पैसा जमा करा के पैसा निकाल लेता है, इवन मेरी पर्सनल ओपिनियन में मैं इससे कन्विंस नहीं हूं, लेकिन तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम आरआरबीज की ऑडिट भी कर रहे हैं, हम सब्सटेंटिव टेस्टिंग करते हैं कि कहीं एक तो वो एंट्री सिस्टम एंट्री तो नहीं है कि सिस्टम में डाला। सिस्टम एंट्री आपको दिख जाएगी, टाइमिंग्स की सेकंड्स का भी डिफरेंस नहीं होगा, सिस्टम में टाइमिंग आता है एंट्री का। सिस्टम एंट्री है तो विद इन, अगर कैश जमा करा के कैश निकाल रहा है तो डेफिनेटली मानिए, आज हम नॉर्मल भी कैश लेने जाते हैं तो टेलर पे 2 मिनट लग जाती है कैश की विंडो पे, तो सिस्टम में एंट्री में 2 मिनट का 3 मिनट का गैप आएगा। अगर वो सिस्टम एंट्री है, केवल जनरल एंट्री, डमी एंट्री है, प्रॉक्सी एंट्री है, तो वो विद इन स्पैन ऑफ फ्यू सेकंड्स हो जाएगी या नॉर्मल बिजनेस आवर्स के बाद में होगी। हमने कई ऐसी एंट्री देखी है कि 31 मार्च को रात को 11 बजे हो रही है, 11:30 बजे हो रही है, 2 बजे हो रही है, यानी कि वो सब एंट्रीज बाद में की हुई है जस्ट टू ट्रीट द अकाउंट स्टैंडर्ड्स। तो एज ए ऑडिटर हमको सब्सटेंटिव टेस्ट करना है। आप उसकी पेन स्लिप निकलवा के देख सकते हैं कि उसमें डिनोमिनेशन लिखे हुए थे नहीं, तो जो उसने पैसे जमा कराए। तो इन सबको करके ही हमको, और फिर आप एविडेंस हो विथ योर रिमार्क्स, आप अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। कि बेस्ड ऑन दिस ग्राउंड यू फील दैट दिस इज द अकोमोडेटिव एंट्री। सेम प्रॉक्सी एंट्री वाला क्वेश्चन हो गया। Query simply write for documents, more responsibility the auditors. मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या था. सिंपली राइट फॉर डॉक्यूमेंट्स बट ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड कंटेन सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट वेदर वी नीड टू गिव एमओसी और क्वालिफाइड रिपोर्ट इज सफिशिएंट. सर देखिए एमओसी तो अगर वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और आप उससे ये कंक्लूड करते हैं इससे मेरा सिक्योरिटी इंटरेस्ट इंपेयर हो गया और अब अकाउंट सिक्योर्ड नहीं बचा तो आपको एमओसी देनी पड़ेगी. अगर डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट होने से सिक्योरिटी इंटरेस्ट इंपेयर नहीं हो रहा क्योंकि मॉर्गेज डीड फुल्ली एग्जीक्यूटेड थी, अकाउंट्स में रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के हिसाब से रिकवरी पूरी आ रही है तो वो अकाउंट एनपीए तो बनेगा नहीं, क्लासिफिकेशन तो. अगर डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है तो एक ही चीज होगी, अकाउंट सिक्योर्ड से अनसिक्योर्ड जाएगा, सिक्योर्ड से अनसिक्योर्ड जाएगा. तो अगर आपको लगता है कि जो डिफेक्ट्स है डॉक्यूमेंटेशन में उससे सिक्योरिटी इंटरेस्ट इंपेयर हो गया है तो आपको उससे सिक्योरिटी अनसिक्योरिटी एमओसी देनी, अदरवाइज कोई एमओसी देने की जरूरत नहीं है. आप उसका रेफरेंस एलएफआर में और सीरियस है तो थ्रू यूएम ऑडिट रिपोर्ट में आप दे सकते हैं. कैन यू प्रोवाइड अस अ सैंपल लेटर फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस विद द ब्रांच? ठीक है, मैं ऑर्गेनाइजर्स को मेल पे शेयर कर दूंगा तो वो आप सब लोगों को उस ईमेल के जरिए इसको भेज देंगे. नहीं तो आप मुझे पर्सनली, मेरी आईडी ajay@srgirl.com है, आप अपना मेल भेज दीजिए, मैं आपको इंडिविजुअली भी शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. जूम चैट का है तो वो ऑर्गेनाइजर्स देंगे. विड्रॉल एंड डिपॉजिट ऑन द सेम डे बाय कैश, एंड ये अपने डिस्कस कर ही लिया कि हमको उसको देखना है. Common query that bank not accepts mail from outsiders. ये तो पॉसिबल नहीं है, बैंक तो रोज मेल एक्सेप्ट कर रहा है. मेरा जिस बैंक में अकाउंट है, मैं तो सिंपल से बताऊं, मेरा तो ओरिएंटल बैंक में अकाउंट है, मैं मेरी सारी ट्रांजेक्शंस ब्रांच हेड से मेल पे ही करता हूं. मेरे को रिक्वेस्ट होती है पासवर्ड रिसेट कराना है, कुछ भी कराना है, ब्रांच तो मेल तो एक्सेप्ट करता है ब्रांच. ऐसा नहीं कि मेल मतलब कि हाँ कि आप बैंक को मेल करेंगे और बैंक सारी कॉरेस्पॉन्डेंस मेल पे हो रही है. एज ए इंसॉल्वेंसी में भी हम लोग रोज बैंक्स को मेल कर रहे हैं तो उस पे कर रहे हैं. आईबीसी में भी जो भी केसेस हैं उनमें भी बैंक की आईडी पे मेल करते हैं. तो मैं नहीं समझता कि बैंक नहीं ले रखा होगा. वेरिएशन इज मोर एंड ब्रांच नॉट कन्विंस, इट्स कंपल्सरी टू साइन. सर you sign with your qualification, with your comments. और हो सकता है ब्रांच हेड को रिपोर्टिंग के एस्पेक्ट्स के बारे में इतना पता नहीं होगा, लेकिन आप अपने सेंट्रल ऑडिटर से बात करेंगे या कि ये प्रॉब्लम है और इसकी रिपोर्टिंग में सर्टिफिकेट में इस तरीके से कर रहा हूं, या आप जो बैंक का अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट है वहां के रेस्पॉन्सिबल पर्सन से बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम रहेगी नहीं. वो बोलेंगे कि ठीक है, आप आपकी विद क्वेरीज आप इसको साइन कर दीजिए. मेरे पास जो क्वेरीज आई थी वो तो हो चुकी है. एनी अदर क्वेरीज प्लीज? सर आई थिंक ऑल द क्वेरी आर रिस्पोंडेड. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग. थैंक्स द ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू वेरी मच. और मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सबको पता है. प्लीज डोंट हेजिटेट टू रिंग मी एनी टाइम. मेरा फोन 24 आवर्स चालू रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, कभी भी मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं. अगर कभी मैं फोन रेस्पॉन्स नहीं करूँ, आप मुझे SMS डाल दें या WhatsApp कर दें. कोशिश रहेगी कि क्वेरीज का रिप्लाई कर दिया जाए. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. मैं साइन आउट कर दूं? थैंक यू. तो आई एम साइनिंग आउट. जस्ट अ मिनट सर. थैंक यू सर फॉर योर नाइस डेलिब्रेशन. आई थिंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर एनरिचिंग विद द डेलिब्रेशन. थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड स्पेशल थैंक्स टू गौतम शर्मा जी एंड रोहित वाटे जी, डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग टीम. and whole with Salakar Samiti team for their efforts. In the last, I request all you to stay home, stay safe. Thank you. Thank you. I also thank the organizers for the good participation, more than 300 in the numbers. Thank you. Now I'm signing out. Thank you very much. Okay, sir.